एंड uh, मैंने जब क्रिकेट देखना बंद किया तब उन्होंने आई थिंक इंडिया के लिए डेब्यू किया तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात थी बिकॉज uh, जब उन्होंने मैसेज किया कि उनको डांस क्लासेस स्टार्ट करना है तो आई हैड नो क्लू हु यूजी ही जहल वॉज बींग वेरी ऑनेस्ट Uh, तो मैंने कहा ठीक है यू नो सिंसियरली अगर कोई स्टूडेंट लर्न करना चाहता है ना वेरी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे अच्छा लगा और ये सिंसियरली डांस भी कर रहे थे एकदम तो अच्छे से <laughs> मतलब अगर मैं होमवर्क भी देती थी कि ये ये है स्टेप्स कर लेना तो प्रैक्टिस भी चल रही थी उनकी सो ही यूज़ टू सेंड वीडियोज एंड वी लाइक कि कहाँ मैं और अच्छा कर सकता हूँ विच इज़ वाई आई थिंक क्लासेस दो महीना भी चले अदरवाइज यू नो हा वट इज़ राइट एक और ज़बरदस्त क्रिकेट पॉडकास्ट आ चुका है दोस्तों मैंने यूजी चहल को ऑब्वियसली ऑन फील्ड खेलते हुए देखा मैंने उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं जैसे गौरव कपूर भाई के साथ जब भी वो बी डब्ल्यू सी पर आते ब्रेकफास्ट व चैंपियंस पे आते उनकी एक फ़न साइड दिख जाती है ना आपको मैंने सोचा था इस पॉडकास्ट के पहले कि आज हम बस एन्जॉय करेंगे थोड़ी सी बख्त करेंगे पर इनकी सीरियस वॉरियर साइड दिख गई इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान मैं खुद क्रिकेट फैन हूँ हमेशा क्रिकेटर्स से खुद के सवाल पूछता हूँ आज के एपिसोड बहुत ही इनडेप्थ एपिसोड है क्रिकेट के बारे में क्रिकेट करियर्स के बारे में और मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में दोस्तों ये है हमारे बड़े भाई यूजी चहल ऑन टी आर एस यूसी भाई अब आपसे खुल के बात करूंगा टीआरएस <laughs> में आपका स्वागत है Thank कैसे you. हो एकदम मस्त आप बताइए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आप घर आ गए जनरली uh, कैसे हो आप मस्त अभी थोड़ा सा ब्रेक चल रहा है ओके okay. अभी फिर वापस क्रिकेट स्टार्ट होगा क्योंकि काफी टाइम के बाद दो महीने का ब्रेक मिला है आईपीएल के बाद वाइट बॉल क्रिकेट काफी टाइम के बाद हो रही है वेस्ट इंडीज में तो आई एम वेरी एक्साइटेड अब क्या करते हो ब्रेक में ब्रेक में रेस्ट स्पेंड टाइम करता हूँ फैमिली के साथ वाइफ के साथ जस्ट नॉर्मल लाइक ये मेरा प्रॉपर चिल पीरियड है ओके okay. रेस्ट yeah. आपके लिए क्या होती है वैसे रेस्ट फॉर मीज़ लाइक मेंटली ओके क्योंकि जब आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती है थोड़ा प्रेशर भी होता है बिकॉज एवरी मैच यू हैव टू परफॉर्म और यहाँ पर आगे इज़ लाइक विद आवर पीपल आई फील सो रिलैक्स कि हाँ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि फैमिली जज नहीं करती या yeah, डेफिनेटली क्योंकि क्रिकेट के सक्सेस के साथ फेम भी इंक्रीज होता है और फेम के साथ जजमेंट इंक्रीज होती है वो तो है आजकल 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 आज आज थैंक्स टू सोशल मीडिया फॉर दैट ओके आपको देख कर ना मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कभी कभी बहुत बुरा लगता है <laughs> पूछो क्यों <laughs> क्यों ओके okay. अच्छा लगता है आपकी सफलता देख कर मोस्ट विकेट्स इन आई पी एल एंड जनरली मैंने आपका आपके पूरे करियर को एज अ फैन ट्रैक किया फ्रॉम योर फर्स्ट गेम फॉर आर सी बी ओके बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आप एक जमाने में मुंबई इंडियंस के नहीं खेलते हैं। वो ऑप्शन का होता है वो हाथ में नहीं होता okay. क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरा जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ है 2011 में। और उस टाइम क्या होता था उस टाइम ऑप्शन नहीं होता था तो आपको साइन करते थे तो मैं यहाँ पे डी वाई टूर्नामेंट खेलने आता था आई थिंक उस टूर्नामेंट ने काफी हेल्प किया क्योंकि ओ एन जी साम एयर इंडिया से खेलता था तो जिस आया तो हम क्वार्टर फाइनल हारे तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट के लिए वापस जा रहा था तो मेरे को रिलायंस से फोन आया हमारे मैनेजर को वी वांट टू साइन हिम एंड वे एक्साइटेड मैं अंदर घुस गया था एयरपोर्ट के तो देन फिर वापस आया देन आई वेंट टू उनका ऑफिस है आई थिंक नवी मुंबई सो आई वेंट देयर आई साइन आवर आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मतलब आई पी एल मतलब उस टाइम देखते थे तीन साल टी वी देखा था <laughs> तो एक गुड जर्नी आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते थे एज अ फैन स्टार्टिंग से मैंने राजस्थान को किया है क्योंकि शेन okay. hmm. तो मैं हमेशा मतलब एक उनको देखता है और जो लेग स्पिन मैंने सीखी पहले मेरा एक्शन उनकी तरह था अंडर नाइनटीन तक बिल्कुल डिटो वैसे स्लो चल के और उनका एक पोस्टर होता था जीप निकाल के वो पोस्टर मेरे रूम में होता था तो मतलब राजस्थान को सपोर्ट किया और टू में मैं उनके प्रोवल्स में था okay. और क्योंकि उस टाइम ये था कि नाइनटीन प्लस अंडर नाइनटीन यू कैंट प्ले आई -प्ले। hmm. तो इस hmm. वजह से मैं टीम में नहीं आ पाया था okay. wow. मतलब आप ओरिजिनली राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करते थे नहीं yeah. आज कैसा लगता है नहीं डेफिनेटली बस थोड़ा सा एक मिसिंग है कि शेन शेरवान सर से मैं नहीं मिल पाया क्योंकि मेरे को बाद में पता लगा था कि सरप्राइज होने वाला है मेरे लिए कि वो वन वीक के लिए आ रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली जो हुआ फिर वो थोड़ा सा उस टाइम दो तीन दिन लगा मेरे को बचपन से आपको लेग स्पिनर बनना था नहीं पहले मैं फास्ट बोलर था ओके okay. स्कूल में वेन आई एम टॉकिंग अबाउट आई टॉकउट सेवन ईयर्स ओल्ड तो स्कूल में जाते थे तो क्योंकि डैड अपनी यूनिवर्सिटी में खेलते थे वो पाँच साल यूनिवर्सिटी कैप्टन भी रहे हैं। तो मैं फ़ास्ट बॉलर था तो खेला तो फिर डैड ने मेरे को बोला कि कि इस बिल्ड के साथ तो नहीं होगा फ़ास्ट बॉलर तो देन मैंने लेग स्पिन डालना स्टार्ट किया मतलब ऐसा नहीं था कि, कि मैंने किसी उस टाइम किसी को देखा वो एक ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो गई तो आई वॉज एट तब से मैंने मतलब लेग स्पिन स्टार्ट किया फिर जब आई वॉज़ टेन ईयर्स ओल्ड तब मैं फर्स्ट टाइम अंडर फोर्टीन खेला था हरियाणा के लिए तो वहाँ से फिर वो एक प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट हुई तो उसमें लाइक ट्वेंटी थ्री ईयर्स कभी ऑफ स्पिन ट्राई करी आई एम वेरी वर्स ऑन दैट मेरा कभी ऑफ स्पिन कभी सीम से नहीं जाता मैंने ट्राई किया है वो लेटिव सीम जो होती है ना मेरा हमेशा वैसे जाता है पर अ, अ, अपनी गली वगैरह में सब डाला है ओके okay. एक अजीब सवाल पूछना है जब आप बॉलिंग करने आते हो तो टीवी पे वो लिखा होता है ना कि लेग स्पिनर राइट आर्म लेग स्पिनर तो तभी अगर आपने ऑफ स्पिन डाली वो इल्लीगल हाँ, होता है क्या नहीं ऐसा आप कुछ आप नहीं होता आप हो। कुछ भी डाल सकते हो आप ओके? सीम अप करके फास्ट बॉल भी डाल सकते हो ऐसा कुछ नहीं होता है? पर लाइक उनको पता है कि 95, 99 मैं ये चीज़ डालने वाला हाँ, <laughs> <laughs> ओके। वो एक वेरिएशन हो जाती है वांट टू बोल। मैंने डाला है आ, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में डाला है वो माई भाई ने मुझे बोला था हम 2017 में श्रीलंका में खेल रहे थे तो लेफ़्ट बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि बीच में तू ऑस्पिन डाल सकता है क्योंकि कहा भाई मैंने नेट पर भी नहीं डाला करे। कर कहें ट्राई कर लियो तो वो एक दो बॉल डाला था फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं रहने दो क्यों क्योंकि आपको उसके लिए ना स्पेशली नेट में प्रैक्टिस करनी पड़ती है सडनली आपको बोले ऑसमिन डालना और वो भी इंटरनेशनल मैच में क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम ट्रेन होता है येस बॉडी टाइट हो जाती है यार ये बॉल मैंने काफ़ी टाइम से डाली नहीं है एकदम से डालना बॉडी टाइट हो जाती है क्या क्योंकि जब आप ज़्यादा सोचते हो और प्रेशर में होते हो तो

पहली चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो आपकी बॉलिंग से वो अगर वो किसी भी क्रिकेट फैन को दिख जाता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट है इसलिए इतने ज़्यादा विकेट्स में करेक्ट या थोड़ी थोड़ा शाना बनना पड़ पड़ता है उसके लिए आपको बनना पड़ता है क्योंकि मेरा मेरे पास सब कुछ क्या है कि मेरा माइंड है मेरे पास वो बिल्ट नहीं है कि सिक्स फुट सिक्स इंच मैं कोई ब्रॉड इंसान नहीं हूँ मेरा जो सब कुछ है वो मेरा माइंड है जब तक मेरा माइंड चल रहा है आई एम फाइन ओके दूसरी चीज़ आपकी वाइब बहुत चिल लगती है फील्ड पर आप सच में इतने चिल हो कि वो एक जाते हो आई थिंक मैं चिल हूँ लाइक एटी परसेंट कह सकते हो आई मेरी चिल गए ट्वेंटी परसेंट कई बार मैं सीरियस हो जाता हूँ मैंने कभी uh, आपको नर्वस नहीं देखा वो तो दिखाते नहीं है ना डेफिनेटली <laughs> 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 वो चीज़ तो होनी जरूरी है कि आप चाहे क्लब <laughs> का मैच भी खेल रहे हो क्योंकि वो वो चीज़ नहीं होगी तो देट मीन यूर वेरी कैजुअल कोई भी आप मैच खेल रहे हो और वो एक उस मोमेंट को मैं हमेशा जीता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कल वो है या नहीं है

कि क्योंकि टी ट्वेंटी में क्या है कि थोड़ा विकेट लेना थोड़ा इजी हो जाता है पता है कि रन रेट बारह का पहुंच गया है कि आपको पता है बैट्समैन ट्राई करेगा और कई बार कैसा होता है सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल डालता हूँ पर मेरा नेचर जो है कि मेरे को विकेट के लिए जाना है जो मुझे हमेशा कैप्टन बोलते हैं मैं क्योंकि अगर वो चीज़ में अगर मैं छोड़ दूँ आई डोंट थिंक सो कि मुझे विकेट मिल पाएगी okay. और उसके लिए मैं सोचता हूँ कि यार इस बैट्समैन कहाँ पे अच्छा खेल रहा है इसको कैसे फंसाया जा सकता है कई बार Uh, मेरे को दो या तीन बार ऐसे हुआ कि बैट्समैन उन्होंने तीन बॉल पे तीन छक्के मारे हैं और फोर्थ विकेट फोर्थ बॉल पे आउट हुए hmm. हैं तो कई बार बैट्समैन ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है यार तीन मार दिए बॉलर प्रेशर में है और अब उस टाइम मेरा कुछ बसता ही नहीं उस है उस टाइम आपके माइंड में आते बताया चलो यार छः छक्के लग गए तो कम से कम कहीं तो हिस्ट्री में नाम आ जाएगा <laughs> <laughs> अब आप ऐसे ही सोचते हैं उस टाइम मैं ये नहीं सोचते यार छः छक्के लग गए तो क्या हो गया वो तीन बॉल जा चुकी हैं मेरे को नेक्स्ट थ्री बॉल्स पर वापस सोचना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है दो ओवर में आपके काफ़ी रन लग जाते हैं और लेकिन दो ओवर में आपके पास दो ओवर है मैं दो ओवर वो भूल जाता हूँ इट्स वेरी हार्ड टू से लेकिन मैं वैसा करता हूँ मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ ओके okay. Um, थोड़ा मैं गाली दे दूँ थोड़ा, थोड़ा सवाल है <laughs> विकेट आप कैसे लेते हैं uh, विकेट समाइम आई प्लान और कई बार बैट्समैन uh, भी दे देता है लेकिन hmm. वो प्रेशर बनाना पड़ता है बैट्समैन पे और But, वो पार्टनरशिप में होता है दोनों तरफ से बैट्समैन की मेंटल मिस्टेक की वजह से यस yes. आप कई बार उसको ज़्यादा फ्लाइट देंगे उसको अपने जोन से बाहर निकालते हैं क्योंकि वो सोचते नहीं है कई बार यार आ, इतनी फ्लाइट आ सकती है और जब फ्लाइट जब मोस्टली बैट्समैन देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका आता है चलो छः मार देते हैं hmm. तो वहीं से वो मिस कर देते हैं तो यू हैव टू प्ले विद देम सम टाइम जैसे अच्छे बैट्समैन कई बार बॉलर से खेलते हैं फील्ड के अकॉर्डिंग वो आपके चेंज करेंगे जहाँ फील्डर नहीं है वहाँ पर वो चौका मारते हैं ताकि एक फील्डर वहाँ पर आए तो ये सब कैलकुलेशन होता है ओके okay. और बताओ ये मेंटल गेम के बारे में मेंटल आई थिंक यू हैव टू बी आई थिंक मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे जो मैं हमेशा करता हूँ कि सेल्फ बिलीफ नो मैटर वट कैसी भी सिचुएशन हो अगर आप पे ख़ुद पे ट्रस्ट करोगे ना तभी फिर बाकी आप पे ट्रस्ट करेंगे वो दिख जाता है आपके गेम के बारे में क्योंकि मैं अगर क्योंकि तो छह बोल मुझे डालनी है वो विराट भैया को नहीं डालनी रोहित भैया को नहीं डालनी माई भाई को नहीं डालनी वो छह बोल मुझे डालनी है और कैसे डालनी है वो कॉन्फिडेंस अगर मैं कैप्टन को दूंगा कि मुझे ये फील्ड चाहिए और आप बोलो यार कई बार ऐसा होता है यार कुछ भी फील्ड लगा लो कई बार मैं बोल देता हूँ आप लगा लो फील्ड मुझे पता है कैसे मैं बोल डाल रहा हूँ थोड़े से जो चेंजेस होते हैं मैं हमेशा पहले रोहित भैया या माही भगत में खेला हूँ विराट भैया को जाकर मैं बोल देता था कि मुझे ये फील्ड चाहिए तो मुझसे पूछते थे क्या प्लान है मैं भैया ये प्लान है अभी चलने दो अगर वो प्लान वर्क नहीं करता देन वी गो अदर प्लान कि थोड़ा डिफेंसिव हो जाते लेकिन मैं हमेशा जा कैप्टन को बोलता हूँ यार ये मेरे को फील्ड चाहिए तो कैप्टन को एक कॉन्फिडेंस आता है आप पे यार इसका कुछ प्लान चल रहा है वरना कई बार क्या होता है वैन यू गेट नम बाउंड्री वगैरह लगने के बाद तो फिर जब चार लोग आके वो चीज़ें बताते हैं ना तो फिर आप सबकी सुनते हो लेकिन आप ये भूल जाते हो कि बॉलिंग आपको डालनी है okay. वो उन्होंने फील्ड लगा दिया लेकिन अगर आप उस फील्ड के अकॉर्डिंग बॉल नहीं डालोगे तो माइट भी आपको नेक्स्ट ओवर मिलेगा ही नहीं ओके सो यू हैव टू भी मैंटली स्ट्रांग और आपको बताना है कि हाँ यू हैव टू ट्रस्ट मी क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम नहीं है इट्स अ टीम गेम माइट भी एक ओवर आपको मैच हरा सकता है ओके एज अ क्रिकेटर आई एम हंड्रेड परसेंट जो कि आप क्रिकेट को एक एक्सर ए नज़र से देखते हो जो आप क्रिकेट देख रहे हो तो यू आर नॉट जस्ट सीइंग इट एज अ फैन आप एक yeah. प्रोफेशनल के yes. नजर से भी देख yeah. रहे आपके प्लस ऑनिस्टली ये मैं बहुत फैन परसपेक्टिव से बात कर रहा हूँ okay? और ये पॉडकास्ट का जादू yeah. होता है uh, जब आप धोनी भाई के लिए बोल कर रहे हो अगर वो आपके कैप्टन है तो एज अ प्रोफेशनल वो आपके लिए क्या कर रहे हैं मतलब वो एग्जैक्टली exactly गाइड कर रहे हैं कि बॉल यहाँ डालो क्योंकि फैंस को यही लगता है कि जितने भी सी एस के बोलर्स रहे हैं जिनको सक्सेस मिला कभी कभी सी के छोड़ने के बाद वो सक्सेस थोड़ा सा घट जाता है फिर लोगों को धोनी भाई के दिमाग के बारे में और ज्यादा पता चलता है कुछ तो स्ट्रेटेजी रही होगी सीएस के में एंड आपने भी उनके लिए बोलिंग करी है एज अ बोलर एज एन हीस एग्जैक्टली क्या होता है आई थिंक मैंने तो उन ब्लाइंडेड ट्रस्ट किया है अगर वो उन्हें कुछ बताते थे मैं उस चीज़ को फॉलो करता था ऐसा नहीं है कि मैं कई जगह आई थिंक नाइन्टी फाइव परसेंट मैंने उस चीज़ को फॉलो किया है और फाइव परसेंट मैंने अपना प्लान भी उन्हें बताया है क्योंकि द थिंग वो विकेट कीपर है वो उस विकेट पर बैटिंग भी कर चुके हैं और जब हम बॉलिंग करने आते थे तो वो आई थिंक टेंथ ओवर के बाद आते थे मिडिल ओवर में hmm. तो उन्हें पता होता था कि विकेट पर कैसा चल रहा है ये बैट्समैन कैसा मतलब खेलने वाला है तो उन्होंने काफ़ी सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि उन्होंने बोला कि यू जी सी स्टम्प पर बोल डालने कुछ अलग ट्राई मत करियो और आई थिंक उसी और में नेक्स्ट ओवर में मुझे मैंने आउट किया है तो एक ब्लाइंड ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है कि इस मतलब मैं भी उनका फैन ही हूँ अगर देखा जाए तो वो जो उन्होंने मेरी क्रिकेट फिफ्टी परसेंट जब बॉल डालते हो ना बिल्कुल आसान कर दी थी वरना आप आते हो विकेट पे बॉल डालते हो आप एक दो ओवर लेते हो यार इसमें ऐसा पेस है वो हमें पहले ही बता देते थे तो हम फर्स्ट ओवर से भी अटैक करना चालू कर देते थे कि ऐसे करना है वैसे करना और मैंने तो हमेशा ब्लाइंडली ट्रस्ट किया उन पर कि माई बहने बोल दिया हाँ बोल दिया फैन कैसा लगता है आई थिंक मैं, uh, <laughs> मैं वही एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ जिन सामने आते मेरी बोलती बंद हो जाती है मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करता चाहे मैं कैसे भी मूड में हूँ मैं आराम से ऐसे करके बैठा रहूँगा भाई भाई कुछ पूछेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा वरना मैं आराम से चुपचाप बैठा रहूँ वो क्या बातें करते हैं कुछ भी सब बातें करते हैं आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हो वो मस्ती भी करते हैं वो अपने तरीके से समझाते हैं मतलब कि आपको ऐसे तरीके से समझाएंगे आपको बाद में लगेगा अच्छा ये इस बारे में मुझे समझा रहे थे जैसे कि आपको क्या समझाया कई बार बॉलिंग में हो जाता था कि आ, एक मैच था साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे टी ट्वेंटी मैच था 2018 का सेंचुरियन में उसमें फर्स्ट टाइम मुझे फोर ओवर में सिक्सटी रन पड़े थे तो आए मेरे पास मतलब आ, क्लासन मुझे मार रहा था आई थिंक पचास तीन ओवर में मैंने पचास के आसपास खा लिए थे तो उन्होंने बोला राउंड द विकेट आएगा मैं ठीक है आता हूँ मैं राउंड द विकेट आया था क्लास ने मुझे छक्का मारा बड़ी बाउंड्री पे अब मैं वापस जा रहा हूँ अब मैं कह यार अब क्या करूँ तो माया भाई मेरे पास आए मैं हाँ भाई भाई माया भाई, भाई बोलो खरे कुछ नहीं मैं तो वैसे ही आया था कह रहा आज तेरा दिन नहीं है कोई बात नहीं लेकिन ये पाँच बोले हैं तू टीम की तरह डाल दे कि इस पर बाउंड्री नहीं आनी चाहिए विल सी तो फिर मुझे याद आया यार ठीक है मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको विकेट नहीं मिलती लेकिन आपको टीम को भी सपोर्ट करना पड़ता आपको पता लग जाता आज मेरा दिन नहीं है तो वहाँ से मैं वो चीज़ समझा कि यार ठीक है मतलब कई बार हम एक्स्ट्रा एफर्ट करने के चक्कर में रन दे देते हैं हमें विकेट तो मिलती नहीं है वहाँ से मैंने वो चीज़ सीखी यार कई बार आपको खुद ही पता लग जाता है कि आज मेरा दिन नहीं है लेकिन मैं टीम को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ ओके okay. एक और पॉडकास्ट ओरिएंटेड चीज़ कहना चाहूँगा एज अ फैन बहुत लोगों को बहुत अजीब लगा था जब आरसीबी ने आपको रिटेन नहीं किया आपको कैसा लगा था आ, Definitely बहुत बुरा लगा था क्योंकि okay. अगर main, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ हो, I think स्टार्ट हुआ से uh, ये सबसे weird cricketing decision है <laughs> मतलब किसी को ए, uh, समझ नहीं आया uh, और ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश yeah. नहीं कर रहा हूँ क्रिकेट वॉचर बता रहा हूँ uh, बहुत ऑब्वियस चीज है कि आपको मतलब जब पता है फैंस गेस करते हैं yeah. एक साथ में जब रिटेंशन लिस्ट निकल yeah. के आती है तो फैंस गेस करते कि कौन रिटेन होगा मुझे भी लगा था क्योंकि आठ साल में वहाँ से खेला सब कुछ मुझे आई थिंक डेफिनेटली मैं बोलूँ की आर सी बीज ने मुझको इंडियन कैप भी दिया क्योंकि उन्होंने मेरे को चांस दिया अपने आप को परफॉर्म करने का जब मैं टू थाउजेंड फोर्टीन में आया था फर्स्ट मैच से मेरे को एक uh, विराट बैया ने एक ट्रस्ट दिखाया फर्स्ट मैच से मैंने स्टार्ट खेलना स्टार्ट किया फिर थोड़ा सा बुरा लगता है कि आठ साल या एक एक हो जाता है एक मतलब connection. एक फैमिली बन जाती है क्योंकि मैंने देखा था कि अरे यूजी ने बहुत पैसे मांग लिए होंगे यूजी ने ये मांग लिया होगा वो बहुत सारी चीज़ें आई थी तो इसलिए फिर मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैंने कुछ पैसा नहीं मांगा मैंने कुछ नहीं बोला कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए मुझे मेरे को पता है मेरे को मैं कितना डिज़र्व करता हूँ मैं और द वर्स्ट थिंग कि मेरे को इस इस बात का ज़्यादा बुरा लगा था कि मेरे को कोई फ़ोन कॉल नहीं आया कुछ नहीं आया ना मुझे बताया गया कि आप एटलीस्ट बात करते हैं क्योंकि मैं आई थिंक उनके लिए हंड्रेड फोटीन मैचज़ खेल चुका था और मेरे को कुछ नहीं पता लगा कि मतलब क्या हुआ सडनली मैं ऑक्शन में आया तो दे प्रमिस मी कि हम आपके लिए ऑल आउट में जाएंगे ऑल आउट जाएंगे मैं ठीक है अगर समवन टेलिंग भी मैं ठीक है लेकिन जब उधर गया तो आई वाज वेरी एंग्री कि मैंने आठ साल किसी टीम को दिया है और आई वॉज चिन्ना स्वामी इज़ माई फेवरेट ग्राउंड और वहाँ के लोग मतलब हर क्रिकेट फैन का फेवरेट ग्राउंड एनीवे तो वहाँ से मेरे को बुरा लगा तो आई वाज वेरी एंग्री दो तीन दिन मैं आई थिंक मैंने Uh, कोचिज से बात भी नहीं किया जो आर के थे इवन फर्स्ट मैच जब हम अंगेज खेले राजस्थान वर्सी तो मैंने किसी से बात नहीं किया इवन अब वो चीज़ ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है उसमें कुछ भी हो सकता है आप कहीं भी जा सकते हैं लेकिन आई रियलाइज़ की ठीक है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है लेकिन मेरे को एक प्लस पॉइंट ये हो कि राजस्थान में आगे मैं डेथ बॉलर बन गया मैंने डेथ में बॉल डालना स्टार्ट किया उससे पहले मैं आर सी में तो मैं आई थिंक सिक्सटीन ओवर से पहले मेरे ओवर खत्म हो जाता था मैक्म सेवनटीन जब जरूरत पड़ता था लेकिन यहाँ पे आके मैं एक डेथ बोलर बना मेरी क्रिकेट की ग्रोथ फाइव टेन परसेंट बढ़ी देन आई रियलाइज की यार जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है लोग मतलब दस साल साल के बाद दूसरी टीम में भी जाते हैं तो इस इस फाइन एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट आपको वो लेना पड़ता है तो वो एक अटैचमेंट डेफिनेटली है आरसीबी के लिए चिन्ना स्वामी वहाँ के लोगों के लिए बट कहीं ना कहीं उस Uh, राजस्थान में आना मेरे को मेरे क्रिकेट वाइज बहुत हेल्प किया है प्लस जो आपने कहा बचपन में आप राजस्थान के फैन थे या तो कभी क्या ऊपर वाला ऐसे ही स्टोरीज प्लान करता आप इस नजरिए से देखते हो अब इतना तो खैर मैं सोचता नहीं कि मतलब पर ये था कि मेरे लिए ये था कि यार मैं जब राजस्थान आए तो आई वॉज मोर फ्री माइंड वाइज मोर फ्री कि मैं ज़्यादा चीज़ें कर सकता हूँ और अपने हिसाब से चीजें कर सकता हूँ आई डोंट नो ये सवाल पोलाइटली मैं कैसे पूछूँ इसलिए मैं बस ऐसे ही पूछूंगा आ, आर सी जीतती क्यों नहीं गुड क्वेश्चन आठ साल से आठ साल मुझे भी हो गए थे ढूंढते हुए पर अभी तक सवाल ढूंढ रहे हैं क्योंकि ऑन पेपर मैं बोलूंगा भी नहीं सहार आई थिंक 2016 में सबसे बेस्ट टीम था हमारा जब क्रिस गेल थे के थे वो अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल हार गए आई थिंक वो सबसे बुरा मेरे लिए आई रहा होगा मतलब कि फाइनल में पहुंचे क्योंकि हमारे सिचुएशन ऐसी होगी थी हमें सात में से छः मैच जीतने हैं वो सीज़न हम सात के साथ में छः मैच hmm. जीते hmm. फिर लास्ट में क्वालिफायर में एक ऐसा आ गया कि के था कि दिल्ली का मैच था रायपुर में जिसमें मेरे को फर्स्ट टाइम पर्पल कैप मिली थी वो भी दो दिन के लिए <laughs> तो वो एक ऐसा थी कि अगर हम हार गए तो हम टॉप फोर से बाहर हैं जीत गए सेकंड आएंगे तो वो मैच जीते तो वो एक रोलर कोस्टर वाला सीज़न था और फाइनल डेफिनेटली आप चिना स्वामी में खेल रहे हो एंड यू प्लेंग विद यू नो इन आर सी बी ओनली एंड वो आठ दस रन से जो मैच आ रहे ना आई थिंक वो ज्यादा वो था बट एजट हुए नहीं, के बाद, या फाइनल के बाद, ये बात कराद? होती है अब उस चीज पे अगर आप बात करते हो तो आप पिछले छह साल की भी बात कर सकते नहीं जीते पर ये है कि आप जब अच्छी क्रिकेट खेल के हारते हो ना तो आपको इतना बुरा नहीं लगता एक होता है यार चलो हमने ट्राई किया यार एक होता है यार स्टार्टिंग से ही हार गए क्योंकि हम एक बार ऐसे हुए कि हम छः मैच लगातार भी हारे हैं तो सातवां मैच जब हम जीते थे हमने ऐसे इन्जॉय किया जैसे हम फाइनल जीत गए <laughs> <laughs> तो क्रिकेट आपको ऐसे भी दिखाती है कि hmm. यार कब जीतेंगे और वो भी हम एक रन से मैच जीते थे वो भी चेन्नई के अगेंस्ट <laughs> वो पार्थिविया ने रन आउट कर दिया था hmm. तो मतलब ऐसे ऐसे मैच मतलब आपको एक पॉजिटिव पॉइंट देते हैं आप जीतना क्योंकि जीतने एक ही टीम है

पांच आई टाइटल जब वो एम में आए थे तो 2011 में वो आए थे हमने फर्स्ट टाइम चैम्पियंस लीग जब जीता था जी जी देन 2013 में हमने दोनों जीता देन वहाँ से क्योंकि मैं फिर आर चला गया था लेकिन जैसे आर में है विराट भैया ए बी सर थे क्रिस गेल तो वो एक आइकॉन जब प्लेयर होता है ना तो मतलब उसका थोड़ा सा फैन बेस का फ़र्क पड़ता ही है डेफिनेटली नहीं पर टीम के वाइब पर भी फ़र्क पड़ता नहीं ऐसा कुछ नहीं है मतलब आप कितना भी हो क्योंकि आप उनके साथ काफ़ी खेल चुके हो और वो आप लोग वैसे ट्रीट करते हैं जैसे मतलब आप भी उनकी तरह उतना मैचेस खेल चुके हो तो कोई ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट सीजन किसी का है सेकेंड सीजन किसी का है वो आपसे अपने तरीके से बात करेंगे वो आपको रिलैक्स करवाएंगे या वो कोच बात का टाइम नहीं मिला वो आप कोचिस को बोल देंगे कि आप इस पर ध्यान रखिए जब आप किसी क्रिकेटर को इन पर्सन मिलते हो और इन पर्सन बात करो ये मैंने सिर्फ पॉडकास्ट के थ्रू डिस्कवर किया उन्हें क्रिकेट के बारे में बात करना दे डोंट माइंड इट इज़ इट ट्रू क्या अब आ, हो जाता फॉर मी मैं नहीं चाहता मैं मुझसे कोई क्रिकेट ज़्यादा बात करे क्यों क्योंकि सारे टाइम वही दिख रहा होता है ओके okay. तो वो कहते हैं ना स्विच ऑन स्विच ऑफ तो मेरे को जो ये 6-7 दिन का जो पीरियड मिलता है तो आई जस्ट वांट टू बी लाइक कुछ और बात कर लो शायद मैं इसमें कुछ सीखूं शायद कुछ नया सीखना हो क्रिकेट की बात वो सिर्फ आती है मेरे को पता है छः दिन के बाद वापस मुझे क्रिकेट खेलना है वापस फिर वो मेरा माइंड उसमें ही जाएगा तो ये मैं चाहता हूँ कि रिलैक्स रहूँ जब मैं वापस जाऊँ तो मैं फ्रेश रहूँ किन चीज़ों के बारे में बात कर है करें <laughs> मुझे तो एनी थिंग वेत मतलब सीरियसली uh, मैंने अपनी वाइफ को बोला था कि यार मुझे भगवत गीता चाहिए मुझे पढ़नी है और काफ़ी टाइम से था वो चीज़ मैं आजकल जो मेरे शॉर्ट्स देखता हूँ यूट्यूब पे वो सब इसी बारे में कि कैलाश पर्वत इन चीज़ों के बारे में मेरे को जानना है वो चीज़ क्योंकि मेरे को पहले टाइम नहीं मिल पाया लेकिन नाव uh, जब मेरे पास टाइम हो मेरे को उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है आई रियली वॉन्ट टू नो क्या मिलेगा जानकर जस्ट वॉन्ट टू नो लाइक मेरे को आई थिंक मैं that. उनके बारे में आई थिंक मैंने देखा कि आई एम द पर्सन मैं कई बार यूट्यूब पर जब शॉर्ट्स देखता हूँ तो मैं उनको कंटिन्यूसली दो घंटा भी देख सकता हूँ मुझे टाइम का पता नहीं लगता कुछ कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा पहचान रहा हूँ अपने इंडिया कल्चर के बारे में कि क्या होता है कि एटलीस्ट मेरी नॉलेज बढ़ रही है अगर किसी कोई टॉपिक आता है मैं ऐसे बैठा रहूँ लोग बात कर रहे हैं लेकिन मेरे पास भी अगर कुछ होगा तो मैं भी बात कर सकता हूँ या अगर उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो मैं जान सकता हूँ उसके बारे में Hmm. कि लॉर्ड शिवा वहाँ पे क्यों थे कि कृष्ण जी वहाँ क्यों थे कि रामायण ये इतने साल में सच हुई है या नहीं है क्या मिथ है इसके बारे में पता है मैंने आपके इतने सारे मोमेंट्स देखे ऑन फील्ड प्लस इतने सारे ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस के एपिसोड देखे <laughs> दे, <laughs> कि मुझे लगा कि पूरी बकचोदी पर आपके सामने बैठकर ना देखो मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए कि लोगों की आंखों की वजह से मुझे पता रहता है कि उनकी पर्सनालिटी एक्चुअली कैसे होती है आपकी पर्सनालिटी बहुत फाइटर की पर्सनालिटी है मतलब वो पर वो वॉरियर स्पिरिट मुझे अब फील हो रहा है नहीं मैं एक, एक होता है मतलब मेरा ऐसे मैं कोई ज़्यादा बोलता नहीं हूँ मैं मतलब सीरियसली अगर आप मुझसे पाँच छः साल पहले मिलते तो मैं चुपचाप सा रह के क्रिकेट के अलावा मैं आई एम द पर्सन कि मैं रूम में बैठा मैं बैठा रहूँगा

मेरी टीममेट्स उनको पता है मैं कैसा हूँ थर्ड पर्सन मुझे मेरे बारे में क्या सोच रहे मैं क्या 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 वो मेरी लाइफ में कुछ करता ही नहीं है मैटर तो मैं उसके बारे में क्यों सोचू आउटसाइड द फील्ड क्रिकेट की वजह से आपकी लाइफ कैसे बदली है? आ, बहुत अच्छी बदली है टचवुड गॉड ग्रेस फाइनेंशली अच्छा हुआ हूँ सब मतलब टचवुड जो आ, एक ड्रीम देखा था बचपन चाइल्ड से वो हुआ है क्या ड्रीम देखी खुद का घर बनाना और उस टाइम छोटे से दिल्ली जाते थे तो एक गाड़ी थी पोष कायन कि यार मेरे को ये गाड़ी चाहिए कि कभी होगा उस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक आई वेना वेन तेरह साल पहले की बात वो क्योंकि दिल्ली में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती थी हम देखते थे यार ये गाड़ी मुझे पर्सन है लेकिन जब मेरे अफोर्ड कर पाया मैंने डैड को बोला मुझे ये चाहिए <laughs> तो इस पीसफुल है और मॉम डैड को और तो फ्यूचर जैसे मेरी वाइफ है दे आर कम्फर्टेबल तो आई थिंक क्योंकि सब बोलते हैं कि ये वो करके लेकिन अगर पैसा है तो इंसान लाइफ चलती है ये फैक्ट है हम um, यहां पे मानते हो कि क्रिकेटर्स देश के शायद सबसे बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं क्योंकि yes. साउथ तक फैंडम होता yes. है हर कोई देखता है yes. बहुत सारे क्रिकेट इज अ रिलीजन जो आईपीएल जो हो गया ना इट्स लाइक अ फेस्टिवल पर आपके नजरिए से ये समझाओ वही कि एज अ क्रिकेटर आपको कैसा लगता है नहीं मुझे अच्छा लगता है डेफिनेटली आप लोग जाते हैं पर हम क्या है कि हमारे डिपेंड परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस कैसी है आज अच्छी करी तो हम ऊपर ने नहीं करी तो सोशल मीडिया मत ही देखो क्योंकि कंपेयर कर देते क्योंकि मुझे पता है आज मैं खेल रहा हूँ दो साल के बाद मेरी जगह कोई और लेगा फिर वो लोग पिछड़ा भूल के वो आगे वाले पे जाते हैं वो भूल जाते हैं कि यार इन्होंने ये चीज़ की हुई है और इट्स फाइन मेरे को ये है कि मैं पहले क्योंकि जब मैंने मुझे जब था कि इंडिया खेलना है मुझे था कि यार मुझे इंडिया दो साल के लिए नहीं खेलना है मुझे इंडिया कम से कम सात दस साल के लिए खेलना है वो मेरा गोल है कल मैं परफॉर्मेंस नहीं करूँगा टीम से आउट हो जाऊँ कोई और आ जाएगा आई एम फाइन विद दैट वो एक प्रोसेस चलता रहता है सचिन सर भी गए हैं उनकी जगह कोई और आया है विराट भैया की जगह कोई और आएगा रोहित भैया की जगह कोई और आएगा वो प्रोसेस चलता रहेगा बट ये कि क्या आप सेटिसफाई हो कि जब आप में टैलेंट था कि आप उतना खेल पाए या नहीं खेल पाए मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है आपने अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज किया या ओके क्योंकि मैंने एक भैया थे उनको मैंने बोला था सैंडी भैया थे Uh, हमारे लिस्ट तो uh, मैं एक मैच खेला था इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए उसमें ए बी सर वगैरह भी थे तो मैं वो मैच खेला तो उसके बाद मैंने उनको ये चीज़ बोल रही थी यार भैया अगर मैं इंडिया खेलूँगा ना मैं कम से कम पाँच छः साल खेलूँगा कह रहे क्यों मैं कहा भैया पता नहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है और ये चीज़ मैंने उनको तब बोली थी जब मैं रेगुलरली रंजी ट्रॉफी भी नहीं खेल रहा था मैनेफेस्ट okay. okay. कर दिया हाँ जस्ट मेरे को पता था कि मेरे मैं क्या कर सकता हूँ okay. um, जब आपको पहली बार वो आरसीबी की मैच में दे, देखा था मैंने मुझे uh, आपका चेहरा याद था थ्रू द एमआई वेबसाइट yeah. ये एमआई के लिए yeah. खेलते थे <laughs> <laughs> थोड़ा बुरा <laughs> लग रहा था कि क्या यार प्लेयर्स <laughs> को क्यों रिलीज किया जाता एनीवे बट आपने एक स्पार्क देखा था एज अ फैन एंड आपने विकेट्स ली थी आई थिंक आई थिंक पहली आरसीबी मैच में मैन ऑफ द मैच बना था हां ये याद है um तो वो थोड़ा वो इंडिया प्लेयर की झलक उसमें ही दिख गई थी कि आपको अंदर से वो फीलिंग आ रही थी तब कि हाँ अभी इंडिया खेलूंगा वो सेल्फ बिली थी तब उतनी जी मेरे को वही मैं बोला ना कि मुझ में था कि आ, मैं अगर खेलूंगा तो लंबा खेलूंगा ओके okay. और उस टाइम मेरा ये था कि यार मैं चांस मिला है मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तीन साल मैं एम में था आई जस्ट प्ले ओनली वन मैच और उसके बाद एक्चुअली मेरे को सर्जरी हो गया था मेरा फिंगर में फ्रैक्चर हो गया था तो अवर टू थाउजेंड में मैं हाफ आई पी एल के बाद आउट हो गया था लेकिन टू थाउजेंड ऑप्शन में आया मुरली सर थे जकाती भी आते वहाँ पे सब थे और उन सबसे पहले मैं खेला क्योंकि मेरे प्रैक्टिस मैच में काफ़ी अच्छा गया था मेरा इंटेंट काफ़ी अच्छा था मेरा एटीट्यूड काफ़ी अच्छा था तो विराट भैया ने उसमें काफ़ी हेल्प किया मेरे को उस चीज़ में आ, कि उन्होंने मुझे पहला क्योंकि मुरलीधरन सर जकाती भैया जो ऑलरेडी खेल चुके हैं इतने बड़े प्लेयर हैं मैं पहला मैच खेल रहा हूँ और पहले मैच में ही जो कॉन्फिडेंस विराट भैया ने मुझे दिखाया कि पहले ही बॉल पर मुझे विकेट मिला था मुरली विजय भैया का फिर मैन ऑफ द मैच में मिला मैन ऑफ द मैच मिला उसके बाद से फिर एक वो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि ओके ये प्लेटफॉर्म ऐसा होता है यहाँ पे ये इतना प्रेशर होता है ये चीज़ें ऐसी होती है ओके okay. um, तब के कैप्टन विराट कोहली आज के विराट कोहली से काफ़ी अलग है uh, अगर आप मुझसे पूछोगे तो सेम मेरे सेम ही है मेरे को कुछ ऐसा लगा ही? नहीं सेम ही लगा अकॉर्डिंग टू द फैंस वो थोड़े से ज़्यादा काम हो चुके हैं अब आई थिंक फील्ड पर तो वैसे ही है और काम तो बाहर वो हमेशा रहते थे वो क्या कि अब बाहर का लाइफ का कैमरा लगा नहीं होता ना नहीं। अब फील्ड पे अगर मुझे पता है कि अगर मेरे को ये एग्रेशन हेल्प कर रहा है तो मैं वो चीज़ करूंगा और वो किसी को हार्म नहीं कर रहे नहीं। अब पहले जो होते थे आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का एटीट्यूड देखो जब रिकी बोटिंग सर वगैरह खेलते थे तो दे आर डोमिनेटिंग लाइक ऐसे दबा के रखते थे अब हम वापिस देते हैं अब उनको पता है कि भैया अगर इनको छेड़ोगे तो ये वापिस देंगे छेड़ते फिर भी मैच में चलता है ओके आपने कभी दिया किसी को नहीं मैं जब तक तो कोई मुझे उंगली नहीं करता मैं नहीं देता किसी ने करी मैं है? पहले करता था टू थाउजेंड फिफ्टीन तक आई वेरी अग्रेसिव मैं एक इंसिडेंट था मुंबई के अगेंस्ट मैच था तो कोरी एंडरसन ने छक्का मारा अगली बॉल पर मैंने उसको आउट किया और फिर मैंने उसको बोला और वो पूरा का पूरा टीवी पे आ गया क्या बो, क्या बोला <laughs> <laughs> मीम बनने वाला <laughs> <laughs> नहीं नहीं ये तो है मतलब वो आ गया था तो फिर देन आई मैंने गा, खुद गाली दी आपने गाली दिया मैंने हिंदी में? नहीं मैंने इंग्लिश इंग्लिश में English में गाली, गाली दिया प्रॉपर गाली दिया और देन मैंने अपने आप को देखा ना तो मेरे को खुद ही शर्म आ गई यार यार क्या कर रहा है फिर मेरे को लिटरली उस टाइम बोल दिया गया था डैनियल विटोरी बेटोरी से तो उन्होंने मेरे को सीधा बोला कि आउट करके तू विराट भैया की तरफ भाग ले वहां तक को जो गाली देनी है तू दे दे सामने नहीं भागना तू दे देन फिर मैं थोड़ा 15 से मैं क्या यार अब अब मैं क्योंकि अब सारे मेरे दोस्त हैं जिनके बाद मैं बॉल भी डाल रहा हूँ जो अगेंस्ट भी खेल रहे हैं एग्रेशन वही है लेकिन जब तक तो कोई मेरे को अब ये है कि सामने से नहीं करता मैं नहीं देता सारे आपके दोस्त कैसे हैं ये भी लोग नोटिस करते हैं कि <laughs> आप सबके साथ फ्रेंडली होते हो अब सच में मतलब आप, मेरा नेचर वैसा है मेरा नेचर वैसा है कि मैं बैठता हूँ मैं उनके साथ बैठता हूँ तो हम क्रिकेट की बात नहीं करते हम लाइफ के बारे में बात करते हैं कि आप एक्सपीरियंस मैं उनसे जाना उनके एक्सपीरियंस उनके स्ट्रगल कि क्या किया आपने लाइफ में कि आप यहाँ तक पहुँचे ये करके हम वो बात नहीं करते यार शिट मैच हार गए यार वो क्यों खेला वो क्यों खेला मैं उनके बैठता हूँ तो मेरे को एक वाइब्स आते कि यार हाँ इनसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ okay. जैसे कि फॉरेन प्लेयर्स के साथ क्या बातें होती है मेरे को ए बी सर है ए बी सर ने मेरे को एक चीज़ समझाई थी टू थाउजेंड ट्वेंटी में आ, बैलेंस अब बैलेंस क्या है कि, कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है कि आप चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं पर्सनल लाइफ है

मैं गुस्सा गुस्सा होता हूं। Seriously? Yeah. क्या क्यों क्यों आता है आपको किसी चीज पे मतलब जो चीज़ मेरे को जब हो जाता है कि यहाँ से जब ऊपर चला गया जैसे वो कि आपने कहा है कि पानी सर से ऊपर चला जाए okay. तो जब मेरे लिए वो चीज़ हो जाती है देन आई केयर सामने वाला कौन है आगे कंधे पे हाथ रख देना ऐसे कर देना और मेरा नीचे ऐसे मैं कहा सीधा बोलता हूँ कंधे पे मत रखिए तो कहीं बोलते हैं कंधे पे मत रखिए फिर वो बोलते हैं तो फिर उनके जब तो देखता हूँ तो वो समझ जाते हैं कि और क्या है कि आप कुछ भी करते हो ना सारी तरफ कैमरा ऐसे ऑन वीडियो कैमरा ऐसे ऑन होते हैं कि गलती आपकी आएगी वो वहाँ पे बोल देंगे आपको रिप्लाई करने की क्या जरूरत थी बट okay. दे हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई वो हो चुका है आपने वार्निंग दे दी है एक नहीं तीन बार दे दी आई यूसो ह्यूमन बींग वो निकल के आएगा मतलब ठीक है मतलब सेलिब्रिटी मतलब ये नहीं कि हमारा राइट नहीं है सामने वाले को कुछ बोलने का एक कहावत है एवरी वन लव ही इसलिए मतलब आ, मैं मोस्टली रहता हूँ मैं मतलब मेरा नाइन्टी फाइव परसेंट है मैं पिक्चर्स दे देता हूँ आपको दस लेनी है बीस लेनी है पच्चीस लेनी है आप ले लो मैं जैसे कोई हाउस हेल्प वगैरह होते हैं या कुछ और होते हैं मैं उनको हमेशा देता हूँ मैं उनको कभी मना नहीं करता लेकिन जब मैं खाने की टेबल पर बैठा हूँ चाहे आप कोई भी हो मैं हमेशा मना करता हूँ Hmm, जब आप फैमिली के साथ हो या फैमिली के साथ मैं जब खाना खा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ मैं नो no. okay. उस टाइम अगर मेरे डैड भी आएंगे मुझसे पिक्चर मांगे मैं उनको बोल दूँगा आई एमटिंग माई फूड मैं आप बात में दे दूंगा जिस भाई आपका मेंटल स्टेट कैसा रहा है मतलब ओवरऑल करियर में क्या आपने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखे हैं जो आपने छिपाए है हुए हैं yeah, डेफिनेटली uh, सबसे बड़ा जो था मैं 2021 में जब वर्ल्ड कप में नहीं हुआ था uh, दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ था तो आई थिंक सबसे बुरा मुझे तब लगा था और उस टाइम मेरे को आई खेलने दुबई जाना था तो आई थिंक हम जे डब्ल्यू मैरिड थे जे डब्ल्यू मैरिड थे ना जब 2021 में नाम आया था नाम नहीं आया था वर्ल्ड कप में मम्मा और आप मैं बैठे थे तब ग्रैंड यार मतलब हम उधर बैठे थे तो मुझे पता नहीं कुछ लगा कि इवनिंग में थोड़ा सा आने लगे कि नाम नहीं आएगा मैंने कहा चलो ठीक है सोचना ही नहीं है पता लगा कि नाइन थर्टी टीम आने वाली है मेरी बात टीम आई और मैं अंदर से मतलब बिल्कुल वो हो गया था कि मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा फिर इन्होंने पूछा अरे टीम आ गई क्या तो मैंने इनको फॉरवर्ड कर दिया तो नहीं था तो शी वॉज विद मी दैट टाइम तो हमें नेक्स्ट डे सुबह की फ्लाइट पकड़े दुबई निकलना है आर सी बी जो पोस्टपोन हो गया था कोविड hmm. तो उसको कंटिन्यू करने हमने उधर जाना था दुबई तो वो और क्वारंटीन करना था एक हफ़्ता वो सबसे और बड़ी वर्न क्या होता है कि चलो आपको रिलैक्स होने का आप बाहर जा सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो बट बेस्ट थिंग इज विद मी दुबई में मेरे साथ थे तो ऐटलीस्ट वो एक एंगर वो एक गुस्सा अगर ये नहीं होता तो आई थिंक वो मैं और फर्स्ट हो जाता उसी में एक में रिलइज़ कि हाँ कोई बात नहीं हो गया है अभी वन वीक अभी वन सेवन मैचज पड़े हैं योर टीम नीड्स यू आर सी बी नीड यू जस्ट प्रूव योर सेल्फ लाइक जस्ट गो लाइक यू प्ले ऑलवेज जस्ट डू दैट वो दो तीन दिन देना रियलाइज में मैं यार नहीं आया तो क्या कर सकते हैं अब हाथ में तो है नहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे गुस्सा करने से मेरा टीम में वापस नाम आ जाए करके देन फिर वो आई में मैंने मैं कहा यार इन्होंने मेरे को गुस्सा निकालना है ना ग्राउंड पर निकाल दो इन देंस कि जस्ट गो एंड परफॉर्म तो देन आई रियलाइज मैं कहा शी इज़ राइट कि मेरे को गुस्सा ही तो दिखाना है ना मेरे को थोड़ी ना किसी आदमी को जाके मारना है देन वो पूरा जो एंगर जो फर्स्ट्रेशन था ना मैंने अपनी बॉलिंग पे ग्राउंड पे वो चीज़ निकाली आई थिंक वो उस टाइम मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे को सबसे ज्यादा बुरा लगा था दुख के साथ खेल रहे था दुख के साथ नहीं व्हेन व्हेन आई 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 एम 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 द फील्ड अ डिफरेंट पर्सन मेरी टीम को क्या चाहिए एंड ऐसा नहीं था कि ओ आई आई हैव हैव टू टू परफॉर्म मेरे को प्रूव करना नहीं नहीं मैं प्रूव कर चुका हूं भाई जैसा मैं हूं वैसा लेकिन एक थोड़ा सा वो था कि यार कि बुरा लगा दिल पे और वो कहां उतार सकते हो आप मैं कहा ये चीज़ है यहां उतारते हैं ओके कैसे मैनेज किया तब होटल रूम में क्वारंटीन थे तो शिवाजमी मतलब हम सुबह अपना साथ में एक्सरसाइज करते थे मैं शाम को एक्सरसाइज uh, करता था वी वॉच समथिंग कि थोड़ा सा मतलब नेगेटिव मूवीज़ नहीं जस्ट लाइक नॉर्मल चिल मूवीज एनिमेशन मूवीज़ वो एक वीक खत्म हुआ देन आई वेंट टू द ग्राउंड मेरे को तो बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि विराट भैया ही कैप्टन थे और विराट भैया की टीम से मैं खेल रहा था मुझे नहीं पता था कि मैं क्या यार अब क्योंकि मैं कभी नहीं पूछता किसी से कि मैं क्यों नहीं खेला मैंने आज तक कभी किसी से एक भी नहीं पूछा मैं क्यों नहीं खेला वो आपका चॉइस है वो आपका डिसीजन है मैं कभी नहीं बोलता लेकिन वो एक था मेरे को जब वो टीम अनाउंस हुई ना दैट और आई एम द पर्सन कि मैं बहुत जल्दी नहीं रोता मेरे में ये है क्योंकि कई बार आप आंसू निकल जाते हैं करके यार मेरे से बहुत ही रेयर चांस होगा कि आई विल क्राई अगर मैं रोए हूँ ना मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा है रोए आ, थोड़ा सा अच्छी बात नहीं इट्स अ गुड थिंग लाइक थोड़ा सा बट बाथरूम में जागे नहीं आई अंडरस्टैंड <laughs> लड़कों को पर रोना चाहिए वो एक रिलीज होती है नहीं कई बार मैं चाहता हूं लेकिन वो आता ही नहीं है अब दिल रोता है पर वो आंखें मना कर देती है कई बार सिचुएशन होती है मतलब आपको बुरा लगता है पर आपको अब वो ये ना कि हमारे रोना हमारे यहाँ होता है कि यार ये आंखों से आंसू आ रहे हैं तो यार ये रो रहा है कई बार हमारा दिल भी रोता है पर वो आंखें सपोर्ट नहीं करती मैंने okay. <laughs> क्या कर दिया यूजी चाहे सो ओके इस पॉडकास्ट पर वैसे मेंटल हेल्थ की काफ़ी सारी बातें होती है स्पेशली मेन्स मेंटल हेल्थ मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है क्योंकि आई फील कि स्पेशली भारत में ना लड़के मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम बात करते हैं uh -huh. और लड़के क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते हैं <laughs> so, अगर एक क्रिकेटर मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा है जैसे ये जो मैक्सवेल के साथ हुआ जो मार्कस ट्रेस के साथ हुआ मैं उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली exactly एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के दिमाग में क्या होता है आप उसकी एक झलक दे रहे हो वैसे अभी नहीं सो मच प्रेशर होता है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप नहीं परफॉर्म करोगे पीछे चार लोग बैठे हैं आपके अगर आप आप एक बार बाहर निकल गए तो फिर आपको वापस कम करने में क्या पता है? ना भी कर पाओ आप तो एक प्रेशर रहता है देखो इट्स अफेक्ट कोई भी मैच खेल रहा हो आप चाहते हो कि यार मैं अच्छा करूँ वो उसका प्रेशर है स्पेशली वन आप इंडिया के लिए खेल रहे हो आप चाहते हो यार मेरी वजह से टीम नहीं हारनी चाहिए यार क्योंकि फिर वो फिर आप अपने ऊपर इतना बड़ा ब्लेम ले लेते हो तो मेरे को पता है ये सब चीज़ें हैं पर मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई कॉन्ट एक्सप्रेस मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होंगी चल रही होंगी चल रही, होंगी, चल रही पर मैं उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो मैं चीज़ सीख रहा हूँ कि यार मे को जो है मेरी वाइफ ट्राई कर रही है दो साल से कि मैं एक्सप्रेस करूँ <laughs> अब 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 बत्तीस साल से जो है चीज़ वो एकदम में चेंज नहीं होगी <laughs> <नहीं फेर। laughs> तो आई ट्राई समाइम कि यार कई बार मैं कर देता हूँ कई बार करूँगा तो दस में दो बार करूँगा वो आठ बार मेरे अंदर ही रहेगा अब कोई अब मुझसे कोई बात कर रहा है ना मैं अंदर ही उनके इतने जैसे कोई क्वेश्चन पूछा मैं अंदर ही अंदर आंसर दे दूंगा उसका कि अच्छा ये बोला है तो ये मेरे ये करा ये करा ये करा वो मेरे अंदर आंसर चल रहे हैं लेकिन वो निकल नहीं रहे हैं मुझसे वो मेंटल जोन कई बार ऐसा हो जाता है यार कि क्योंकि आप स्पेशली लॉकडाउन के जब हुए थे कि आपको सात दिन क्वारंटीन करना पड़ रहा है फिर उसके बाद फिर आप मैचेस खेल रहे हो फिर आप दूसरी सीरीज खेल रहे हो वापस फिर आपको सात दिन क्वारंटीन करना पड़ रहा है वो एक पीरियड काफ़ी वो था थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आप स्टेइंग लोन रूम में ही हो कहीं बाहर नहीं जा पा रहे तो वहाँ से बिल्कुल फिर वो माइंड फिर ऐसे ऐसे शट होता गया क्योंकि आप अच्छे रिदम में चल रहे हो सडनली वन वीक का ब्रेक आ गया अब मेरे ऐसा मतलब जो बात ही नहीं करता वो बिल्कुल और बीस <laughs> परसेंट नीचे चला गया नाउ आई एम ट्राइंग की एक्सप्रेस करूँ अपने आप को कि एटलीस्ट uh, सामने वालों को पता तो लगे ना कि यार इसके मन में क्या चल रहा है तो माइट बी ही और शी कैन हेल्प मी कि यार नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि जब तक तो आप बात ही नहीं करोगे तो फिर वो सामने वाला वो ये ना दीवार पे एक सर ही मारता रहेगा रिप्लाई आएगा ही नहीं ये आप इमोशनल रिलीज के लिए करना चाहते हो डेफिनेटली आई एम वेरी इमोशनल पर्सन वो लोगों को देख के लगता नहीं है बट आई एम अब उसमें भी कई चीज़ें होती हैं लोग इमोशनल दिखा वो दिखा देते हैं यार आई एम वेरी इमोशनल आई एम अब वो दिखाना कैसे है मैं उसका एक ढूंढ रहा हूँ यार कि यार मैं हूँ इमोशनल बट मैं एक्सप्रेस एक कैसे करूँ okay. मेरे को वो चीज़ करना है पोएम्स okay. लिखो नहीं मैं लिखता हूँ चीजें पर वो <laughs> <laughs> वो थोड़ा डीप चीजें होती है हाँ वो स्टार्ट किया फिर बीच में बंद कर दिया मैं नहीं नहीं वो जोन दूसरा जा रहा है एटलीस्ट मेरे लिए वही रिलीज होता है मतलब जब मुझे बहुत ज्यादा दुख फील हो रहा है फिर मैं उसे कंटेंट में बदल के व्यूज लेके आता <laughs> 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 हूँ मैं। <laughs> मैंने <laughs> लिखा मैं, मैंने लिखा कुछ दस बारह चीजें लिखी क्योंकि आ, मैं मैं वो सेवन डैड वो नुसरत फतेह अली खान सुनते थे अतउल्ला खान सुनते थे आई थिंक कोई सात आठ साल का हुआ उसे पता भी नहीं होगा कौन है लेकिन वो जो वर्डिंग थे मुझे अब समझ में आने लगी क्योंकि मैंने बहुत सुने हैं तो उसमें से फिर मैंने बीच में थोड़ा सा लिखना स्टार्ट किया तो मैंने कहा नहीं ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा कम कर दो ये पार्ट तो, हटा दो क्यों क्योंकि तो मेरे को वो चीज़ें काफी डीप लेके जा रहा था आई डोंट वॉन्ट टू गो दैट कुछ चीज़ मेरे पास सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अच्छा है आपके लिए आ, नहीं मैं कि बात किया no, मतलब वो आप अकेले बैठे होते तो आई वॉज गोइंग मोर डीप ऑन डैट देखना ही नहीं, कि आपके अंदर क्या है? नहीं देखना नहीं वो चीज़ें वो वो अलग चीज़ जा रहा था मतलब मैं मतलब बिल्कुल ही घुसता जा रहा था उन चीज़ों में मतलब कि मैं और शांत मतलब बिल्कुल होता जा रहा था मैं कह नहीं ये मेरे को नहीं करना है क्योंकि ये मुझे फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट वापिस कर रहा है okay. तो आपके तो के लिए बुरा ये। हाँ मैं उस चीज़ों के बारे में और सोचना स्टार्ट कर दिया था मैंने तो फिर मैंने उस चीज़ को हटा दिया ओके wow, okay. uh, जैसे पैडी अप आई थिंक मैंने उनसे बात हुई मतलब अब प्रॉब्लम यह कि एवरी वन लाइक कि मैं बात करता हूँ यू जी वेरी स्ट्रॉन्ग मैं आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बाद क्या उसके बाद चीजें हट लगा मतलब ठीक है इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय ये करके अब मैं ठीक है अब मैं उसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप क्या तो वो चीज़ें नहीं होती हैं ये जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते पैडी अपटन की तरफ उनका क्या रोल रहता है आई थिंक वो आपसे बात करते हैं वन टू वन कि उन्होंने बोला भी हुआ कि कि आपको क्या चल रहा है आपको किसी बारे में बात करनी है तो आप कर सकते हो अब मेरे को बात करनी है एक तो वो अंग्रेज है इतनी सारी इंग्लिश में अब मैं इंग्लिश में इतनी <laughs> चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता हिंदी में बात कर रहा है तो आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ पर हर छः महीने आप टी आर एस हिंदी पर आ सकते हो तो वही चीज़ है तो मैंने अब मेरा मेरे को चाहिए कि यार क्या मैं इस बंदे के बंदे से मैं वो चीज़ें शेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता क्या मैं इसको फुली ट्रस्ट करता हूँ या नहीं करता मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मैंने इससे बात करी आगे तो नहीं बताएगा अब मैंने कुछ बताया अब उस चीज़ का मैं नहीं चाहता मजाक से उड़े या मेरे उस चीज़ के बारे में मजाक तो खैर उड़ते रहने दो तो, कोई बात नहीं लेकिन उस चीज़ के बारे में वो चीज़ें मेरे उधर से मेरे कान में ना आए मैंने आपसे बात की आपने मुझसे कोई बात किया बात ख़त्म आपको कुछ बात करना है आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी डायरेक्टली ये हुआ है आपके साथ पहले कि किसी ने मजाक उड़ाया मजाक नहीं मतलब वो चीजें स्प्रेड हो गई हम्म गॉसिप हां गॉसिप बन गई हाँ। है। क्या रे ये देखो यूजी हाँ, के साथ क्या हुआ हां तो आई डोंट वांट दैट ये होता है सेलिब्रिटी का डाउनसाइड कि आप एक टॉपिक बन जाते हो हां तो वो तो है ही ना मैं सड़क पे जाए कुछ कर दूं मुझे पता है कि नेक्स्ट डे आई एम ऑन ट्विटर एंड न्यूज़ और इट्स इट्स अ फैक्ट ट्रेड ऑफ होता है

कि उन्हें बिग बॉस मिल गया क्योंकि वो मुझे ही नहीं वो दस लोगों को सेम चीज कर रहे हैं hmm, उनको बस उंगली करनी हाँ। उन्होंने अपना फोटो भी किसी और की लगा रखी होती है hmm. कि चलो बंदा पता लगे कि यार इसने कर रहा। मैं फोटो लगा रखी होगी सलमान खान सर की नाम हुआ कुछ मैं कह यार क्या बात करूं मैं hmm. फॉलोअर्स होंगे दो <laughs> और वो हर के आ, उस उसपे होगा कमेंट्स में सेम लाइन ये करके और वही लोग सामने आगे फिर सेल्फी मांगते हैं ये हुआ लोग जो बहुत ज़्यादा मिलता है ना वो actually same account से ही मिलता है, बार बार At least मेरे लिए आ... उनका काम ही है mm. मेरे को उसमें है, है कि वो लोग जो करना चाहते थे वो नहीं मिल रहा दे आर फर्स्ट एड इन वो चीज़ नहीं कर पा रहे कि जो फ्रीडम हमें है वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही है अब कहाँ निकाले एक राइट मिला हुआ सोशल मीडिया पे आजकल तो ब्लूट दबा के मिल रहे हैं mm. ओके wow. okay, बहुत रियल बातें कर रहे हो <laughs> पर आ, आ, मतलब एक सवाल पूछना जो आ, आपने मुझे में कहा कि आपके ब्रोस आपके एक्चुअल हैं yeah, मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करता हूं। पता है ये फुटबॉल में लोग नहीं कहते फुटबॉल में लोग कहते कि, नहीं, आपके, टीम -मेट्स, आपके फ्रेंड्स नहीं इवन uh, माही भाई विराट भैया रोहित भैया या संजू है या सो मैनी पीपल कि मैं कभी भी उन्हें फ़ोन कर सकता हूँ कि मेरे को ये प्रॉब्लम है या मेरे को इस बारे में बात करना है दे ऑलवेज रेडी ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को डिनाई करेंगे क्योंकि शायद एक क्रिकेटर की जर्नी सिर्फ एक क्रिकेटर समझ सकता है बिकॉज हम टाइम स्पेंड करते हैं मतलब हम साथ में डिनर करते हैं अगर हम एक महीने के लिए बाहर हैं तो वो हमारी फैमिली है आई थिंक इतनी बातें आप अपनी फैमिली से नहीं करते हो जितनी आप उनसे करते हो उनसे आप सब कुछ खुल के करते हो क्योंकि फैमिली प्रेशर कर लेगी या yeah. और पता नहीं क्या सोच लेगी hmm. वहाँ पे क्या कि जो बात होती है वो टेबल बात होती है प्रॉपर बात होती है कुछ अलग नहीं होता मैं अपनी मम्मी से मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं कर पाता सेम आप सेल नहीं कर पाते कई बार मैं अपनी वाइफ से कई बार बात नहीं कर पाता मैं चाहता हूँ अब वही चीजें ने मेरे को सीखना है कि मैं एक्सप्रेस कैसे कर पाऊँ मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ पर वो आई थिंक फाइव टेन परसेंट हुआ है देखो लोग कहते हैं बात नहीं करता मैं कितनी बात कर रहा हूँ <laughs> लेकिन मेरे को उन डाउन साइड ऑफ सेलिब्रिटीड के बारे में बातें करी मैं सिर्फ ट्रोल्स के बारे में बात नहीं कर रहा जनरली सब कुछ के बारे में बात कर रहा हूँ आपस में क्रिकेटर्स के बीच क्या बातें होती है हर तरीके से बात होती है लाइफ के बारे में पर्सनल लाइफ के बारे में कि आगे क्या फ्यूचर है क्या करना है रिटायरमेंट के बाद क्या है तो ये सब बातें होती हैं के बारे में कॉमेंटेटर्सिंग होती है कभी कभी आई थिंक छोटी मोटी इतना नहीं जस्ट नॉर्मली लाइक उस हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं करते हैं कि, कि किसने क्या बोला किसने क्या बोला क्योंकि हम तो खेल रहे होते हैं उस टाइम पे हमें पता कहाँ से लगता है सोशल मीडिया hmm. क्योंकि लोग आपको टैग कर देते हैं अरे इसने आपके बारे में ये बोला इसने आपके बारे में ये बोला अदरवाइज आप जब लाइव मैच खेल रहे होता है हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हमारा अगर हम टीवी पे देख रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम में बैठ के वो म्यूट होता है हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट डे जो न्यूज पे आएगा या आपके ट्विटर पे किसी ने अटैक कर दिया अरे उन सर ने आपके बारे में ये बोला तो तो आपको पता लगता है ठीक um, है एक क्रिकेटर एज द एज क्योंकि आई फील फिल्कि दो वर्जन है एक अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले तो थोड़ा सा एक नेगेटिव एवोल्यूशन हो सकता है होता नहीं हर, हमेशा पर कभी कभी हो सकता पर जिन लोगों को इंटरनेशनल क्रिकेट में चांसेस मिले हैं जो लोग रेगुलर्स बन गए इंडियन टीम के उनका मेंटल एवोल्यूशन क्या होता है आई थिंक वो थोड़ा सा रहता है आई थिंक मेचोरिटी एक एज के बाद आती है बहुत ही रेयर चांस होगा कि लोग मेच्योर हो जाते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेच्योरटी जो सब बोलते हैं एज ए क्रिकेटर कि यार ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट के बाद एज ए क्रिकेटर थोड़ा मेच्योर होता है और थर्टी के बाद एक प्रॉपर मेच्योर होता है और सबको पता होता है कई बार आप किसी से बात भी करोगे चाहे जूनियर हो तो वो आपको कई बार ऐसी बात कर देगा आपको यार ये तो मैंने बात कभी सीनियर से भी नहीं सुनी तो कम्युनिकेशन जितना आप करते हो वो करके वो आप समझ सकते हो यार अब ये नहीं है कि हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना एक मेचोरिटी है वो एक नॉलेज है लेकिन आप आपने किसी से पर्सनल बात किया उसमें आपको क्या एडवाइस मिली और वो तब मिलती है जब उनके तो वो एक्सपीरियंस हो चुका होता है तो अगर मेसा कुछ हुआ है मैं उस चीज़ के बारे में एडवाइस कर सकता हूँ मैं किसी थर्ड पर्स चीज़ के बारे में एडवाइस आपको नहीं कर सकता उसके बारे में आपको विद एग्जाम्पल समझा सकता हूँ और ऐसा ऐसा क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते आपको जो मेंटल लेवल है वो मतलब आप आई थिंक वी आर वेरी स्ट्रोंग मेंटली मतलब कोई भी क्रिकेट के खेल रहा है इंटरेस्ट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दैट बट किस पॉइंट पे वी आर वीक वो आप जब बात करते हो वो एक दिखता है कि यार हाँ यार ये थोड़ा सा यहाँ पे ना ये वीक है ये यह, इस यहाँ पे ये यह वीक है Mentally मेंटली मेंटली मतलब ये डिस्टरबेंस जो होती है कई बार वो चाहे आपके फ्रेंडशिप में हो या आपके मैरिज लाइफ में हो नॉर्मल लाइफ में हो किसी भी किसी में भी, भी हो सकती है क्या पता बंदा रूम में अकेला बैठा उसको उस चीज़ से प्रॉब्लम होती हो क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबका अपना अपना टाइम होता है आप चौबीसों घंटे किसी के रूम में नहीं रह सकते मोस्टली पीपल आर मैरिड उनको अपनी फैमिली को टाइम देना है गर्लफ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं उनको टाइम देना है फैमिली से बात करना है हम जाते हैं मोस्टली लंच पे साथ जाते हैं पांच छह लोग होते हैं हम लंच लंच uh, पे जाते हैं डिनर पे साथ जाते हैं दो ढाई घंटा बैठते हैं वो सब अपने रूम में स्पेस चाहिए रहता है डेफिनेटली वो सबको चाहिए क्योंकि आप आपको नहीं पता ना उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्रिकेट में तो पता होता है हमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हम ग्राउंड पर मिलते हैं लेकिन पर्सनल लाइफ में किसके बारे में कहते हैं किसी को कुछ नॉलेज नहीं होती जब तक सामने वाला आके आपसे बात नहीं करेगा ये आपके साथ हुआ है कोई किसी ने आप यू डोंट नीड टू टेक नेम्स मैंने बात करी है ओके okay. मैंने बात करी है कपल ऑफ लाइक माय टीम मेट्स की मेरा ऐसा हो रहा है देन उन्होंने समझाया मुझे चीज़ें ओके okay. सबसे मच्योर यंगर ब्रो कौन है जो आपसे उम्र में छोटे है पर सबसे मच्योर नहीं तो सोचना पड़ेगा मुझे आई थिंक संजू इज़ वेरी मेच्योर ओके संजू इज़ वेरी मेच्योर अयर इज़ मेचोर ये हैं मतलब दो तीन लोग हैं हां हार्दिक इज वेरी मैच्योर इमोशनल मैच्योरिटी की बात है कर रहा हूँ इमोशनल मैच्योरिटी आई कैन यंगस्टर्स में से आई कैन टॉक टू संजू ओके या और किस तरह की मैच्योरिटी होती है पर मैच्योरिटी मतलब इन द सेंस की इमोशनल बंदा जो आप बात करते हो तो आपको पता है कि यार ये इसके ये भी इसके साथ ये कहीं ना कहीं कुछ हुआ है तो आप एडवाइस ले सकते हो आप hmm. आप कई बार होता है कि आप किसी जूनियर के आगे बात करते हो तो उसका नहीं होती हैं या वो उस चीज से गुजर चुका है तो आप, आपको आप कहते हो मेच्योर है लेकिन आई थिंक इस बात में वो मेच्योर नहीं है yeah. wow. मतलब उन्होंने लाइफ में कुछ चीजें एक्सपीरियंस की होंगी किस्मत की वजह से या और उस वजह से आपको सही एडवाइस मिल रही है या आप

आप थोड़ी ना पूछोगे तूने तूने क्या स्ट्रगल किया है बचपन में क्या देखा है <laughs> हम लोग बात नहीं करते अब mm. आप, आपका क्या स्ट्रगल है मुझे नहीं पता जब तक आप मुझे बताओगे नहीं और मेरे को उस बारे में जब तक वो हम बात करेंगे नहीं और वो बात एकदम से नहीं आती मैं आपसे मिलते पूछू यार आपका स्ट्रगल क्या रहा है साहब वो बात आती है दूसरे टॉपिक से एक ट्रस्ट होके फिर आप उस जगह पहुंचते हो आप सडनली एक सीधा नहीं पहुंचते यार बताओ बचपन में क्या किया था ओके ओके ये बताओ कि आ, सबसे ज्यादा टेंशन आपको फील्ड पर कब लगी है मतलब बॉलिंग अगेंस्ट समन या कोई प्रेशर सिचुएशन में कोई ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने आपको टेंशन दे दी थी आ, मैं कभी इतना सोचता नहीं बैट्समैन के बारे में क्योंकि मेरे ए? को ऐसा लगता है कि कोई भी बैट्समैन हो चाहे आपने उसने आपको पास में डोमनेट किया हो हु। अगर आप वो चीज़ सोचोगे तो आप ऑलरेडी बैकफुट पे जा चुके होते हो आज नया दिन है आज क्या होने वाला है मेरे लिए वो मैटर करता है पिछला गया ओके अगर मैंने उनको 6 बार भी आउट कर रखा है लेकिन आज का दिन टोटली अलग है आज भी मेरे को उनको आउट करना है ओके okay. पर कभी आप किसी बैट्समैन का चेहरा देखकर डर जाते हो या कुछ ऐसा लगता कि नहीं आई थिंक आई डोंट आई डोंट थिंक सो क्योंकि uh, मैंने सबको बॉलिंग करा है और कभी कुछ ऐसा आया नहीं पहले लगता था कभी पहले मतलब स्टार्टिंग में ओबीसी एक होता है जब आप फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आते हो तो थोड़ा माइंड में होता है अरे यार आपने गेल का नाम सुना हुआ है आपने ए सर का नाम सुना हुआ है आपने विराट बिया रोहित ब्या इनका नाम सुना हुआ है इनके अगेंस्ट आपको बोल डालनी है तो वो थोड़ा सा रहता था गेल ड्रेसिंग रूम में कैसे होता है वेरी चिल वेरी चिल। वेरी चिल वेरी चिल उनकी स्प्रेड होती थी ड्रेसिंग रूम इज अ आउट उनके लिए कोई न्यू कमर और कोई पंद्रह साल से खेल रहे इज सेम मुझे याद हो सरफराज खान के साथ फोटोज yeah, yeah. तो किया तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं आता दे आर इज़ वेरी चिल मैं कभी भी मतलब आ, आ, मेरा उनका साथ ऐसा है कि मैं उनको वीडियो कॉल भी कर देता हूँ मैं उनको मैसेज भी डाल देता हूँ और अब मिलते हैं तो भी सो मच फन क्या बात होती like, है उनसे नॉर्मली लाइक क्या चल रहा है मस्ती वाले लाइक वी ऑलवेज टॉक अबाउट अवर जर्नी जो मैं उनके बाद खेला हूँ आठ साल छः साल उसके बारे में भी टॉक सम टाइम किया ऐसे ऐसे रहते थे और अब चेंज हो गया है मतलब वो ऐसा कि उनको सोचना नहीं पड़ता बोलने से पहले उनमें भी इंटेंसिटी है जैसे आप में छिपी हुई आई <laughs> थिंक कभी उनके साथ बैठ इतनी बातें नहीं हुई है लेकिन uh, विराट भी है रहते हैं like. okay. क्योंकि energy, मतलब लोग उनके बारे में क्या नहीं जानते इतने साल आप खेल हो <coughs> कैसे होता है ना कि जो फील्ड पर दिखता है आप किसी बारे में बात भी कर सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में किसी चीज़ जो मतलब आ, है ऐसा नहीं है कि मतलब आ, आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द एग्जाम लीक चले जाओ जो जनरल बातें होती हैं आप उनके बारे में बात कर सकते हो उनसे एडवाइस ले सकते हो डांटते हैं कभी किसी को डांटते uh, हुए नहीं देखा बट एक सबका एक अपना अपना वे होता है समझाने का वो okay. मस्ती में समझा सकते हैं कई बार थोड़ा सा गुस्सा तो आई थिंक मैंने कभी समझाते हुए देखा नहीं है क्योंकि एक नॉर्मली कोई को, आपको गुस्से में समझाता है तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आता एक कैप्टन कब रूट जाता है मतलब कोई रूट कब <coughs> कई बार हो जाता है कि जब अकॉर्डिंग द फील्ड आप बोल नहीं डालते थोड़ा सा एक हो जाता है क्या क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया गेम प्लान था अरे ये करने का तो इट्स फाइन

टेस्ट प्लेयर नवन कोहली ट्वेंटी का प्लेयर है वो एक आई थिंक रियल क्रिकेट है ना यूर क्योंकि रोज सुबह एक उठना है और आपको वहाँ पे बैट्समैन आपको अटैक नहीं करेगा आपको बैट्समैन को आउट करना है

टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो कुछ प्लेयर होते हैं उनको स्पिन इतना अच्छा खेलना नहीं आता एज ए स्पिनर मैं बता सकता हूँ शोर कि उनको पता है यार इसको गुगली रीड नहीं हो रही है करके पर डोमेस्टिक में सब रीड करते हैं नंबर दस का बैट्समैन भी कई बार गुगली रीड कर लेता है तो इट्स वेरी हार्ड कि यार ये तो पिक कर रहा मैं क्या करूँ कैसे आउट करूँ इसको कि क्या इसको सिंगल दे दूसरे पे ट्राई करें तो बहुत सोचना पड़ता है उसमें और आठ आठ रन करके लोग बैठे होते हैं

ओके okay. पर आपके लिए काफ़ी नहीं है कि आप ऑल टाइम आई पी एल हाइस्ट विकेट टेकर बन चुके हो मतलब नहीं, नहीं अभी तो नहीं मेरे को एटलीस्ट ये है कि आ, आ, कोई और आएगा जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा कोई और आएगा लेकिन जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो मतलब आपका क्रिकेट डन हो जाता है ओके okay. वो मैंने आई पी एल जब खेला था मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं ऐसा होऊंगा मेरे को पता भी नहीं था कि शायद मैं 10 साल तक आई पी एल बारह साल तक खेलूंगा वो किसी ने नहीं सोचा लेकिन मेरे को ऐसा लगता अभी हो गया वो हो गया ठीक है लेकिन आगे क्या ओके okay. क्रिकेट किस तरह से बदल रहा है एज अ गेम नाउ इज़ अ फुल बैट्समैन गेम मतलब छोटा ग्राउंड हो गए हैं और उनके बैट्स आप देखे ऐसे लगता है कई बार टॉप पे मिस टाइमिंग जाता है वो छक्के इतने लंबे जाते हैं <laughs> आपको लगता है ये आउट हो जाता है ग्राउंड और दोनों तरफ ओडीआई में न्यू बॉल होता है नाउ यू कॉन्ट यूज स्लाइवा अब आपको स्वेट लगाना पड़ता है उस पर फिर ड्रिफ्ट कम हो गई है रिवर्स होना बंद हो गया है okay. तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं आपकी बैटिंग प्रैक्टिस का टाइम इनक्रीज हुआ नहीं नहीं अभी क्यों आ, लेकिन आई रियली वॉन्ट टू आई यूज़ टू ऑलराउंडर आई टू प्ले अंडर नाइनटीन फॉर हरियाणा एंड ऑल बट वो फिर एक हो गया आ, गैप आ गया तो ऐसा नहीं कि मतलब अगर यार छः बॉल पर जो छक्का मार नहीं मारूँ क्योंकि हमें तो 145 खेलना पड़ता है यार नीचे सब <laughs> बाउंसरे चेक कर रहे होते हैं हमें कि नीचे आया बाउंसरे और 145 फोर्टी फाइव इज़ नॉट ईजी लोगों को लगता है यार अरे वन फोर्टी आधे तो मैं बता रहा हूँ विकेट छोड़ के भाग जाएंगे क्या फील होता है जब कोई फास्ट बॉलर बॉल कर रहा होता है मुझे मैं मैं डरता नहीं हूँ मेरे को डर नहीं लगता कि कोई छोटी फेंके या कुछ फेंके मेरे को लगे मैं जब अंदर होता हूँ मैं आई हमें डिफरेंट मतलब कोई मार दे तो मार दे चलेगा लेकिन मैं विकेट से पीछे नहीं हटता ओके okay? नहीं पर मैं एज अ बैट्समैन पूछा जब आप कभी बैटिंग करने गए हो मेंटालिटी क्या होती है आपकी डिपेंड करता है कि सामने कौन खेल रहा है अगर बैट्समैन खेल रहा है तो हमारा ये रहता है कि यार उसको सिंगल दे दे उसको ये अटैक करने दे ज़्यादा जितनी बॉल वो खेले और अगर बॉलर खेल रहा है तो डिपेंड करता है यार कितने ओवर में बैटिंग आई है कि अगर छः ओवर है क्या हम इसमें पंद्रह रन जोड़ सकते हैं अगर किसी को ट्राई करना वो लास्ट ओवर में ट्राई करेंगे okay. क्या बताओ पंद्रह रन काफ़ी क्रुशल हो जाए पर सब बोलर अब ज़्यादा बैटिंग कर रहे हैं डेफिनेटली वो कर रहे हैं जब भी हमें टाइम मिलता है हम करते हैं चाहे हमें पंद्रह बॉल खेलनी हो लेकिन एटलीस्ट आप टच में रहते हो कभी अनिल कुंबले ने आपको एडवाइस दिया कुंबले सर के साथ मैं सिर्फ आ, मेरा 2017 में जब मैं टी टीम में आया था जिस जिस बैंगलोर में मैंने जब सिक्स विकेट लिया था तो वो कोच थे तो उस टाइम इतना बात नहीं हुई कि बैक टू बैक मैचेस थे जी तो उनसे इतना कभी बात नहीं हुआ ओके बट किसी सीनियर स्पिनर ने आकर आपको लाइफ चेंजिंग एडवाइस दिया लाइफ <coughs> चेंजिंग मैं बात करते रहता हूँ इमरान ताहिर भैया उनसे बात करता हूँ और विक्टोरी सर से मैंने बात की है काफ़ी मतलब स्पिनर्स जो होते हैं हमारे हिरवानी सर उनसे मैं कंटिन्यू बात करता रहता हूँ काफ़ी लोग हैं जिनसे मैं बात करता ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ उसके बारे में कई बार आपको लगता है कि बैट्समैन भी आपको बता सकता है जैसे मैं नेट में बैटिंग करता हूं तो मैं अगर विराट भैया इन रोहित भैया इनको बॉल डालता हूं तो मैं पूछता हूं क्या भैया ये बैट्समैन हिट कर पाएगा क्या ये वाले लेंथ को तो कह रहे नहीं, नहीं नहीं इजी नहीं है तो फिर मेरे को पता लग जाता है अच्छा कि आप ये लेंथ डाल सकते हैं इज़ नॉट इजी टू प्ले क्या आप भी बैटर्स को टिप्स देते हो मैं बैटर्स को मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर जैसे मैंने पहली बॉलिंग डाली तो मैं बता सकता हूँ कि यार नया बॉल इतना टर्न हो रहा है पुराना बॉल इतना टर्न हो रहा है और इतना रुक के आ रहा है ओके okay. तो इनिंग्स ब्रेक में ये बात होती है ड्रेसिंग रूम में कई बार बैट्समैन आगे पूछते हैं कि यूजी बॉल टर्न हो रहा था मैं कहा इस पेस पे हो रहा था ओके okay. ओके okay. अगर आपको ये जवाब नहीं देना मत दो ओके okay. पर आपके अकॉर्डिंग और ये फैंस इस इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं आजकल आपके अकॉर्डिंग यंग लॉट में से कैप्टन मटीरियल कौन है और कैप्टन मटेरियल होता क्या है जो आपने अलग अलग ग्रेट कैप्टन के लिए प्ले किया आई थिंक कैप्टन मटेरियल वो होता है जो अपना छोड़ के बाकी सबका छोड़ता है सोचता है मतलब वो सब कुछ मतलब कि कई बार होता है कि आप सबको साथ लेके चलने वाला सेल्फलेस या yeah. पर सेल्फिश लोग भी होते आ, मैं माई भाई के अंदर खेला हूँ रोहित बया विराट भैया के अंदर खेला मेरे को तो कोई नहीं लगा मेरे को कोई नहीं, ऐसा नहीं, लगा नहीं प्लेयर्स होते हैं प्लेयर्स कभी आई थिंक वेन यू प्ले फॉर इंडिया ना तो वो नहीं होता कि क्योंकि आप वहाँ पे और आप जब इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं ना वो सब निकल जाता है माइंड से ये सौरव गांगुली की देन है अगर आपने उनकी हाँ जी मेन स्टार्टिंग उन्होंने किया था टीम जो एक जो खड़ा किया था हुँ. और आई थिंक जूनियर के आप अभी नहीं बोल सकते किसी को क्योंकि दे आर जस्ट स्टार्टिंग देयर करियर ओके टाइम तो लगता है बहुत बात क्या पता कोई सब ज्यादा

नहीं डेफ़िनेटली मैच्योर कर देती है क्योंकि आ, लाइफ पूरी चेंज हो जाती है लोग मेरे ख्याल से लाइक सेवेंटी एटी परसेंट लाइफ चेंज हो जाती है आप फिर वो वैसे नहीं रहते या जैसे आप पहले होते हो आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ हैज ए गायर टू टेक केयर ऑफ़ टू फैमिलीज एंड चीज़ें होती हैं मतलब इट्स अ नाइस लर्निंग लाइक यू नो हेल्प करता है आपको मेच्योर बनाता है काफ़ी मैंटली आपको स्ट्रॉन्ग करता है आप दोनों कैसे मिले लॉकडाउन जब हुआ था ना तो आई हैव नथिंग टू डू मेरे को स्टार्टिंग से था मेरे को डांस सीखना है मतलब एटलीस्ट चार पांच स्टेप आते हो कि भाई चल जाए क्योंकि बिना अगर करे तो हम भी कहते हैं यार इसको डांस तो आते नहीं क्या नाच रहा है तो ऐसे लोग हमारे बारे में बात करते हैं तो फिर मैंने इनको डी किया था मैं कहा क्योंकि इन आ, इनका टिकटॉक पे और आ, रील्स जो बनते हैं तो मैंने डांस इनका देखा था तो वी हैव सो मैनी कॉमन फ्रेंड्स तो फिर मैंने इनको मैसेज किया था कि आप क्लासेस लेते हैं नहीं क्योंकि मैं लॉकडाउन में आई हैव नथिंग टू डू मैं पबजी खेल लेता था मैं फैमिली और डिकटॉक बना लेता था उसके बाद आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू तो फिर मैंने मैसेज किया तो वो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ ऑनलाइन क्लासेस तो देना स्टार्ट हुआ फिर फर्स्ट टू मंथ्स में आई थिंक हमने कुछ बात ही नहीं किया सिर्फ हमने उसके बारे में बात किया डांस के, के बारे में के बिल्कुल फ्लर्ट नहीं किया नहीं बिल्कुल भी नहीं नहीं पक्का यस ओके okay, बैठे हैं पूछ लो कुछ नो फ्लर्टिंग शायद okay. तो यही यही गेम है कि बी <laughs> द <the friend> <laughs> फ्रेंड हम फ्रेंड फर्स्ट भी नहीं थे हम फ्रेंड भी नहीं थे मतलब नथिंग जस्ट बात हो रहा है मैंने वीडियो भेजा मैंने डांस किया करके कल इतने बजे क्लास है दैट्स इट ओके कोई मैसेज था एक दिन मैं रात को बैठा था तो आई जस्ट मैसेज आई वांट टू आस्क यू समथिंग मैं कहता लॉकडाउन चल रहा है एंड इन एवरीथिंग व्हाई वाई यूज सो हैप्पी इन एवरीथिंग थिंग यू वाई यू सो हैप्पी अब एक होता है ना कि अब दो महीने से जानते चलो मैं पूछ लूँ यार वो करते करते मैंने पूछ लिया तो वहाँ से फिर उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बात वहाँ से फिर बात स्टार्ट हुई एंड देन आई लाइक हर वाइब्स लाइक कि यार self सेल्फ woman वूमेन है जैसे मैं हूँ वैसे ये हैं एंड इनको ये ऐसे हैं कि अगर इन्होंने पाँच छः घंटा डांस नहीं किया दो घंटा जिम नहीं किया फिर अपना किक बॉक्सिंग नहीं किया तो इनका दिन ख़त्म ही नहीं होता अगर वो चीज़ इनके दिन में नहीं होती तो मेरे को पता है पूरा ये चिड़चिड़े रहने वाले हैं तो फिर वहाँ से फिर मैंने हुआ तो दैन आई लाइक आई रिय लाइक देन आई टोल्ड माई मोम डैड की ऐसे ऐसे हैं

ही इज़ वेरी मतलब बहुत हार्ड वर्किंग एंड मुझे तो पता भी नहीं था बिकॉज मैं पहले से क्रिकेट तो देखती थी एंड आई लव स्पोर्ट्स एंड मैंने जब क्रिकेट देखना बंद किया तब उन्होंने आई थिंक इंडिया के लिए डेब्यू किया <laughs> तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात थी बिकॉज uh, जब उन्होंने मैसेज किया कि उनको डांस क्लासेस स्टार्ट करना है तो आई हैड नो क्लू हु यूज ही जहल वॉज बींग वेरी ऑनेस्ट तो मैंने कहा ठीक है यू नो सिंसियरली अगर कोई स्टूडेंट लर्न करना चाहता है एंड आई एम वेरी प्रोफेशनल दैट वे तो मुझे अच्छा लगा और ये सिंसियरली डांस भी कर रहे थे अच्छे से मतलब अगर मैं होमवर्क भी देती थी कि ये ये है steps कर लेना तो प्रैक्टिस भी चल रही थी उनकी मैं और अच्छा कर सकता हूँ वाई आई थिंक क्लासेस दो महीना भी चले अदरवाइज यू नो हाउ इट इज राइट तो डिस इज वॉट आई अबाउट हिम की गेम इज वे एज अ स्टूडेंट वो जो थे मेरे साथ एज अ फ्रेंड वो जो थे मेरे साथ एंड द डायरेक्ट अप्रोच कौन करता है ऐसा कोई नहीं करता यू नो आई आई फील एवरी बहुत ईजी हो गया है सबके लिए ऑप्शन एक्सप्लोर करना लाइफ में सोशली mm -hmm. uh, uh, लोगों से और मिलना लाइक देर इज नो लिमिट मिलना है और लोगों से मिलना है और ये कि नहीं ये कि नहीं ही वो स्ट्रेट अप लाइक कि मुझे शादी करनी है एंड आई वाज क्या एंड देन आई स्टिल रिमेम्बर मैंने अपनी मॉम को जाके बोला मेरे लाइफ में कभी ऐसा नहीं था कि मुझे शादी करनी है या कोई प्रेशर था लव्ड वर्किंग Very happy in my life. सब अच्छे से चल रहा है अच्छे दोस्त हैं फिर मैं आ गया इन्होंने पहली बार फ्लोट कैसे किया आपको vibe मिली थी कि और उन्होंने हाँ, so, yeah. मुझे पूछा कि यार लॉकडाउन में भी तुम काम कर रही हो हैव टू बी बिजी ऑनलाइन क्लासेस ये वो या खुद के वीडियोस बना लिए कुछ यू नो क्रिएटिव काम कर लिया। तो एक नहीं सैटरडे में दोस्तों के साथ बैठती हूँ हम वर्चुअली मिलते हैं एंड देन यू नो वी लाइक टॉक अनवाइंड ज लाइक कैन यू गिव मी वन सैटरडे ऑफ योर आई वॉज लाइक ओ एंड देन आई टोल्ड माई मोम की ऐसा है तो मेरी मोम का पहला रिएक्शन तो ऐसा था नोइंग मी गए आर स्टूडेंट बिकॉज आई नेवर यूज टू लाइक टॉक टू माई स्टूडेंट्स यू नो वर्क इज वर्क बट देन जिस हिसाब से उन्होंने बात किया मुझसे द वे ही अप्रोच एवरीथिंग वॉज वेरी डिसेंट you don't get to see that but uh, yeah okay so decency confidence decency confidence cute flirting cute flirting ऐसा out of there's a not going too much not doing anything extraordinary fool भेज देते थे so I nice. I like that अभी बंद हो गए हैं पहले बहुत आते थे अभी apps आए हैं show you

जमें नहीं जमें कोई बात पे यू नो यू कॉन्ट ऑलवेज बी ओके विद एवरी थिंग यू हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट आई थिंक वॉट मेक्स अस यू नो कीप गोइंग इन लाइफ इज हम जो केयर करते हैं एक दूसरे के लिए टू मंच बहुत सारे बंदे बहुत हैं लेके कुछ, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है लाइफ में यू हैव टू दैस दैट वन थिंग दैट होल्ड्स

टू रिप्रजेंट योर कंट्री इट्स इससे ज़्यादा आप और प्राउड महसूस नहीं कर सकते हो इट्स एन अचीवमेंट इन इट सेल्फ और मैं ये सिर्फ यू जी के लिए नहीं इनफैक्ट उनके सारे जो भी कलीग्स हैं टीम मेट्स है नाओ दे आर ऑल फ्रेंड्स आई एम जस्ट सो प्राउड एंड मैं बहुत लकी और ब्लेस्ड हूँ कि यू जी के वजह से आई कुड बी अराउंड दिस सर्कल जहाँ लोगों ने अपना सिर्फ फोकस काम पर ही डाला है सिर्फ और सिर्फ काम में लाइक नो सोशल लाइफ नथिंग एक्स्ट्रा करिकुल जस्ट क्रिकेट टू टू सिट विथ दैम इज सच अ प्रिविलेज यू नो लाइक यू आर डूइंग पॉडकास्ट एंड यू हैव सो मेनी गेस्ट कमिंग इट्स दी एक्सचेंज ऑफ गुड हिंदी गुड एनर्जी तो या आई एम ब्लेस्ड ओके देश की भाभी <laughs> तो दिस इज ग्रेट ये हमेशा आपसे पूछना चाहता था मैं यूजी भाई <laughs> बहुत कुछ जाना है आपके बारे में आज वाओ आप बहुत ज्यादा इंटेंस इंसान हो as compared to the one that people know क्योंकि लोगों को ना अक्सर सिर्फ वो पता है वो पोज <laughs> वाला भाई पता है पर आप बहुत ज्यादा इंटेंस हो आप डीप थिंकर हो या आई एम okay जो मैंने आपको बाहर कहा कि कभी-कभी क्रिकेटर्स से जब मैं बात करता हूं अभी हम आई डोंट आई थिंक तक बात कर रहे हैं नाइनटी मिनट्स से बात कर रहे हैं एक थोड़ा डेफिनेटली मुझे भी फील होता है कि आप लोगों पर ना एक रिस्पॉसिबिलिटी है प्रेशर है आई थिंक दैट्स कोई कोई वो नहीं हमने ये चीज़ चुनी है hmm. हम हमने ये चीज़ चुनी है हम ये चीज़ ले सकते हैं दैट्स दसवाई वी आर सर्वाइविंग कोई ऐसा नहीं है कि और हम चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं जो भी आप करते हो आपको इंजॉय करना आना चाहिए अगर वो चीज़ नहीं कर रहे हो फिर आप नहीं कर पाओगे हमें मज़ा आता है प्रेशर लेके इतना स्ट्रेस मोमेंट लेके हमें मज़ा आता है उस चीज़ का क्रिकेट hmm. की दुनिया की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट चीज़ क्या है आ, सब कुछ है <laughs> और फिर जब वो चला जाता है तो कुछ नहीं बचता okay. yeah. so, क्योंकि आपको एक चीज़ की आदत हो जाती है यार आप कहीं जाते हो सब कुछ मिल रहा है करके जब वो आप छोड़ देते हो चीज़ को तो आई थिंक फोर्टी फिफ्टी परसेंट कम हो जाती है hmm. वो हमारे कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम वो चीज़ हो जाती है हमारे साथ और प्लेयर्स अवेयर है इस चीज़ को लेकर पता ही है सबको ओके okay. युवराज सिंह से बातें होती यू पास से मैं मिलता हूँ तो मतलब आ, होते रहते हैं बैंटर वो मेरे छेड़ते रहते हैं वो चीज़ <laughs> क्या उनका जोन क्या है आजकल अभी तो खैर रिसेंटली बात नहीं हो रही है क्योंकि आई थिंक इज बिजी मतलब जब भी एक होता है मतलब यू पा ने मेरे को एक बार एक चीज़ बोली थी क्योंकि मैं उनका अंडर टू थाउजेंड में मैं फर्स्ट टाइम आर में थे वो टू hmm. थाउजेंड में आए थे हाँ टू थाउजेंड फोर्टीन में आए थे yeah. तो त, तब था तो यू पा ने बाद में को बोला था यूजी मेरे को नहीं लगता तू इंडिया इतना लंबा खेलेगा मैंने पूछा क्यों कह रहे नहीं बस मुझे लगा कि बट आई एम सो हैप्पी यू सर्वाइव एंड यू प्रूव यूर सेल्फ जब इतना बड़ा लेजेंड आपको ये चीज़ बोलता है मतलब मेरे लिए अचीवमेंट है वो स्किल वाइज आपने क्या किया टू सर्वाइव एंड टू ग्रो हर साल आपने वेरिएशन ऐड किए नहीं मेरी मेरी चार ही वेरिएशन है गुगली डालता हूँ लेग स्पिन डालता हूँ टॉस स्पिन डालता हूँ फ्लिपर डालता हूँ मैं मेरा जो ऐसे वो माइंड ही है कि कई बार मुझे लगता है यार ये बैट्समैन ये करने वाला है तो मैं उस अकॉर्डिंग बॉल डालता हूँ और मुझे विकट भी मिलती है मैं बहुत कैलकुलेशन करता हूँ माइंड में ओके okay. या yeah. अब वो कैसे एक्सप्रेस करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मेरा दिमाग बहुत चलता है फील्ड पे आप जैसे मान लो अभी रॉयल्स के लिए खेल रहे रो हाँ। तो आप बाकी के टीम्स के मैचेस भी देखते हो तब मैं भी... मैं लाइव मैच देखता हूँ हर मैच में देखता हूँ क्योंकि मुझे वीडियोस देखने के अच्छा मुझे लगता है मैं लाइव में क्या चल रहा है लाइव मैच में क्या मुझे वो देखना कि बैट्समैन कैसे खेल रहा है कि आप क्या करते हो उस सिनारे में आप ऐसे सोचते हो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं क्या बोल डालता मैं क्या फील्ड लेता तो मैं उस के बारे में सोचता हूँ मैं ओके okay. उसी परस्पेक्टिव से आप टेस्ट देखते हो यस yes. कि आप अगर वहाँ हो तो आप क्या करते हैं ओके कि इस बैट्समैन को मैं क्या कर सकता था ओके Uh, फिरंग और जनरली फॉरेन प्लेयर्स कैसे होते हैं में। मतलब खुल के रहते हैं। okay. yeah. उनसे क्या जाना है जस्ट लाइफ का हाउ टू एंजॉय क्रिकेट के बाद भी एक लाइफ है आपके सबसे बेस्ट ब्रो कौन है में से? मैक्सी uh, है फिंच uh, है जो uh, भाई जोश भाई मतलब हैं, मतलब काफी मतलब आप कर नहीं सकते मतलब इनके साथ मैं एक ही हूं। भाई कैसे? Must, एक number, हैं like, you know? हाँ। कई आपको सुनना है कि क्या एक तो वो वैसे ही इंग्लिश बोलते हैं और ध्यान और से सुनना पड़ता है मतलब भारतीयों को ना अक्सर ये लगता है कि ब्रिटिश इंग्लैंड के लोग वो लगान के की तरह होते हैं चेंज हो गया चीजें चेंज हो गई हैं अगर आप एक्चुअली इंग्लिश मैन से मिलोगे वो बहुत शांत होते हैं बहुत पोलाइट yeah. होते हैं पोलाइटनेस yeah. उनके मैनरिज्म है <laughs> पर उनकी खासियत क्या है टीममेट। जॉस बटलर। वेरी सिंपल वेरी सपोर्टिव और मेरे साथ नहीं सबके साथ एंड ऑफ द फील्ड वही चीज़ है मतलब अमेजिंग पर्सन लाइक ही केयर यू मतलब पता नहीं लगेगा कि कैसे कर रहे हैं उनका ये है थोड़ा सा

उससे पहले तो लोग बात भी नहीं करते थे वो इसलिए क्या क्योंकि सब एक ही कमरे में बंद हो गए ना हम जिसने सोचा ही नहीं था um जिस तरह से मैंने जॉस बटलर के बारे में पूछा आपको आ, विराट कोहली का वो 2016 सीजन जो था आप उसी टीम में थे उनके साथ क्या हो रहा था कि उन्होंने इतने रंस बनाए आई थिंक वो हर साल ही बनाते लेकिन एक होता है ना कि वो अलग ही था मतलब बहुत ही रेयर चांसेस आएंगे किसी बैट्समैन ने ऐसे कर दिया हो आप हिस्ट्री उठा के देख लिया आईपीएल की वो मतलब एक अलग ही था मतलब देख के मजा आ रहा था मतलब बता नहीं सकते यार किस मूड में थे क्या थे बैटिंग वो जैसी वैसे करे तो वो अब भी कर रहे हैं कुछ चेंज नहीं हुआ है लेकिन वो एक होता है ना कि मतलब अलग ही मतलब कभी भगवान आपके थ्रू खेल रहे हाँ लगता। वो एक भाई ये बैटिंग करने गए ये तो बॉलर तो गया आज इसी को पर्पल बैच कहते हैं शायद या क्योंकि आप देखोगे ऐसा सीजन नहीं आया है

कमाल बैटिंग हो रही है आप आउट हो जाते हो बिकॉज लक का भी एक फैक्टर होता है आप मान तो थोड़ा बहुत तो लक चाहिए देखो hmm. और लक कहाँ से आता है आई थिंक लक मेरे को ऐसा लगता है कर्मा जो आप करते हो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ करते हो कहीं ना कहीं और आपने आई थिंक मेहनत बहुत करी हुई है कि आपने पूरा डेडिकेशन किया हुआ कुछ भी कर रहे हो आप हंड्रेड परसेंट दे रहे हो तो उसका फिर भगवान भी साथ देता है ना भगवान के बारे में सोचते हो फील्ड पे मैं सोचता हूँ मैं तो कई बार बॉल डालने से पहले किसी को नहीं पता मैं जय माता दी बोल के बॉल डाल देता क्यों जस आई बिलीव लाइक मेरे को वो मेरे को अच्छा लगता है माता आप डालो माता। <laughs> <laughs> नहीं माता बोली डालना तुझे ही है आई विद यू मैं लेता हूँ अपना नाम लेता हूँ बोल डालने से पहले मेरा पहला जो क्रिकेट पॉडकास्ट था दो तीन लॉकडाउन से पहले था ड्वेन ब्रावो के साथ और ड्वेन ब्रावो के साथ मैंने बक करी पर पॉडकास्ट के बाद मैंने उनको भगवान के बारे में पूछा वो एकदम सीरियस हो गए उन्होंने बोला येस गॉड प्लेज थ्रू मी तो तब मैंने जान कि यार क्रिकेट में भी एक बहुत बड़ा रिलीजियस और स्पिरिचुअल रोल रहता है रहते, और, मैं तो मानता हूँ मानता हूँ आई डोंट एटलीस्ट जितने क्रिकेटर्स से मैं मिला हूँ कोई भी नास्तिक नहीं है आई डोंट थिंक सो सब मानते हैं मानते हैं मैं तो मैं तो एक प्लेयर होते थे टू थाउजेंड फोर्टीन में रवि रामपाल वेस्ट इंडीज के हाँ तो मैं उनके रूम में गया तो पूरी भगवान की मूर्तियाँ सब थी पूजा चलती थी, थी उधर पूरा पूरी मूर्तियाँ थी आप छः सात भगवानों की मूर्तियाँ पूरा सब कुछ पूजा अगरबत्ती लगी सब लगी हुई हाँ हाँ वाह या और मैंने फर्स्ट टाइम देखा मैं शॉकिंग फॉर मी लाइक क्या और और कौन करता है पूजा करते हैं काफ़ी लोग हैं जो लेके चलते हैं मतलब ऐसा नहीं है मैं मैं हम लेके चलता हूँ मैं हनुमान चालीसा लेके चलता, ले चलता हूँ मेरे पास <laughs> गणेश जी की मूर्ति गणेश जी की मूर्ति रहती है और ये दो तीन चीज़ें मेरे साथ रहती हैं मैं लेके चलता हूँ हमेशा मैच जाने से पहले मैं जाता हूँ और कुछ भी अगर अच्छा होता है अगर बुरा भी जाता है आई जस्ट प्रे अगर मेरा बॉलिंग अच्छा नहीं है मैं फिर भी आता हूँ ऐसा नहीं है कि वो उससे मैं अच्छे में कर रहा हूँ प्रे क्योंकि शायद स्कोर कार्ड भी वहां से डिसाइड होकर आता है सम डिग्री सब कुछ जो लिखा हुआ है जितना लिखा हुआ उतना ही मिलेगा चाहे कुछ भी कर लो ये मैं मानता हूँ okay. दस साल बाद आप किसी चीज में हंड्रेड परसेंट दीजिए वो कभी ना कभी तो आएगा नहीं भी आया तो आपको कम से मैंने तो अपनी तरफ से दिया न मैंने मेडिटेशन के बारे में इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत जाना और कहते हैं कि मेडिटेशन में भी आपको प्रोग्रेस मिलता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिलता है पर कभी कभी आपको रिजल्ट नहीं दिखते हुँ. बहुत देर के लिए क्योंकि वो मेडिटेशन आपको टेस्ट कर रही होती है हुँ. और सडनली एक दिन बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएंगे उसके ऐसे ही कुछ आप बता सेम चीज़ होता है कई बार आपको इतनी मेहनत करते हो करे 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 फिर आपको लगता है नहीं यार चलो स्टार्ट करते हैं सडनली आप एक दिन में ऐसे हो जाते हो और क्या पता वो उसको पाँच साल लग जाए वो टेस्ट कर रहे हो आपको कि कब कब तक करेगा कब तक करेगा Okay. कि क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा खुश हो अभी लाइफ में या yeah. पूरी तरह से uh, रोटी मिल रही है खाने को आराम uh. से सोने को अच्छा बेड मिल रहा है आई एम हैप्पी ग्रेटफुल हो या ओके या चैलेंज क्या आपकी लाइफ में चैलेंज uh, कि जैसा हूँ वैसा बन के रहूँ चेंज चेंज ना हूँ अपने आप को चेंज ना करूँ कुछ uh. भी हो जाए एरोगेंस वाइज कह रहा हूँ इन एवरी थिंग लाइक आई लव मतलब आई लव माई सर जैसा मैं हूँ वी वी ऑल्सो लव यू कि लोगों को लगता है यार ये चीजें ये चीजें ये कम है ये कम है जो चीज़ें खराब हैं उनको धीरे धीरे कट कर रहा हूँ लाइफ से जो चीज़ हाँ गलत है उस चीज़ को एकदम से नहीं होगी स्लोली स्लोली आई एम डूइंग दैट आई एम वर्किंग ऑन दैट और जैसा हुँ, मैं हूँ आई एम हैप्पी विद दैट ओके ओके I hope कि आपको वो टेस्ट कैप मिल जाए जो आपने पॉडकास्ट <laughs> पॉडकास्ट में में वो तू एक है। I'm sorry कि मैंने आपको इतने सारे क्रिकेट क्रिकेट के सवाल पूछे। no, uh, ऐसे ना हमारी लाइफ थोड़े से कम आते हैं 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 और जब एक क्रिकेटर घर आ रहे पर आ रहे रहे पर तो मेरा अंदर का क्रिकेट फैन निकल कि no, है। क्योंकि हम ओके कि ये कोई ऐसा कैटेडे क्वेश्चन नहीं आ रहे लेग स्पिन कैसे डालनी है अरे ये कैसे डालनी दिस डिफरेंट क्वेश्चंस ओके एक सवाल और पूछना लेग स्पिन कैसे डालनी है आई एम ट्राइंग इन वीडियोस आप पक जाते हो कभी-कभी सम मेरे को मेरे को ये कि मैं मैच खेल के आया हूं आधा घंटा उस चीज में मैंने बात करी उसके बाद आई डोंट वांट टू टॉक पता है एज फैंस मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे पैसे नहीं देने किसी को तो बट जो पुराने ब्रॉडकास्टर्स होते थे ना आई के बहुत अच्छे होते थे आजकल आई ब्रॉडकास्ट बहुत कम लोग देख जो प्री मैच हो पोस्ट मैच हो होते अक्सर लोग अभी यूट्यूब पर प्री मैचोज़ पोस्ट मैचोज़ देखने लगे हैं yeah. तो आ, हमें नॉर्मली फैंस को ऐसा लगता है कि आपको बहुत बोरिंग सवाल पूछे जाते हैं अगर आप फुटबॉल ब्रॉडकास्ट देखोगे या बाकेटबॉल ब्रॉडकास्ट देखे देखोगे वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग ब्रॉडकास्ट होते हैं बहुत इमोशनल सवाल पूछते हैं लोगों को

जब कोई मेरे सामने बैठता है डेढ़ घंटे के लिए दो घंटे के लिए मुझे काफ़ी सारे लेयर्स दिख जाते हैं ये शायद पॉडकास्टिंग की एक आउटकम है क्योंकि इतने सारे लोग मिले आ, मेरी पैटर्न रिकग्नेशन स्ट्रॉन्ग हो गई है आ, बहुत ज़्यादा हिडन वॉरियर्स पर आप में आई एम श्योर कि लोगों को भी ये पता चला है आज पर आपकी एक बहुत अलग साइड दिखी है आज नॉर्मली <laughs> आप गौरव कपूर के शो पर आज जाते हैं और खाने के बारे में बात करते हैं फ्रोज के बारे में बात करते हैं पर मुझे ऐसे ही कॉन्वर्जेसन करनी थी आपके साथ क्योंकि टू बिकम दी ऑल टाइम आई पी एल हाइस्ट विकेट टेकर जोक नहीं है मतलब इतने सारे बोलर्स आए इतने सारे बोलर्स चले गए आपने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया आपने ग्रो किया इसलिए यू हैव दी स्टैट्स बिहाइंड यू एंड ऑनेस्टली आप एक फैन फेवरेट हो फुटबॉल में एक टर्म है द स्ट्रीट्स विल नेवर फर्गेट मतलब जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं फुटबॉल में आप देखते हो स्ट्रीटर फर्गेट रॉबिन वैन पर स्ट्रीटर फर्गेट बिडिच स्ट्रीटर फर्गेट बेखिम फर्गेट यूर सो थैंक यू भाई thank, uh, thanks, uh, जब आप इंडिया के लिए भी बोलिंग करते हो जब भी, भी आप बोलिंग करने आते हो फैंस को एक होप मिल जाती है कि हम भी विकेट आएगी यूजी चैज बॉलिंग कर रहे हैं तो जस्ट रिमेंबर दैट नॉट दैट यू नीड मी टू टेल यू बट आई एम जस्ट ग्लैड की आई गॉट टू टॉक टू यू आप लोग हमारे लिए थोड़े सुपर हीरो टाइप के हो <laughs> तो इट फील्स ग्रेट यूजी भाई थैंक थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो ये था आज का पॉडकास्ट दोस्तों क्रिकेट फैंस मुझे ये बताइए कि इस तरह के क्रिकेट पॉडकास्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मुझे कैसे सवाल पूछने चाहिए क्रिकेटर्स को ये हमारे क्रिकेट सीजन की एक शुरुआत है आने वाले एक साल में बहुत सारे क्रिकेट पॉडकास्ट क्रिएट होंगे फ्रॉम टीम टी आर एस बहुत मज़ा आता है मुझे क्रिकेट पॉडकास्ट क्रिएट करते हुए मेरे हीरो से बात करते हुए आई होप कि यू एन्जॉय दीज एपिसोड ऑफ टी आर एस जस्ट एज मच यूजी चहल फिर से लौट आएंगे टी आर एस पर बहुत ज़्यादा वॉरियर स्पिरिट है इनमें एंड आई फील कि एटलीस्ट दस से बारह साल बचे हैं यू चहल के क्रिकेट करियर में ये है उनकी डिटर्मिनेशन का नतीजा ये है उनकी मैंटेलिटी का नतीजा वी कीप सींग दिस मैन राइजिंग हमेशा लोगों ने इन्हें अंडर एस्टिमेट किया है और हमेशा ये लाइफ में पर्पल कैप जीतते आ रहे हैं यह है यूजी चहल की खासियत एंड आई होप टू हैव एम बैक ऑन द शो आई होप टू हैव यू द व्यूअर बैक ऑन ऑल दीज क्रिकेट स्पेशल्स ऑफ टी आर एस